चलो चालू कर दिए। मैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट, नोट्स आ जा। हाँ जी, आज पढ़ने की इच्छा हो रही है, क्या करना है बोलो। हाँ आई कैन एक्सेप्ट ऑल द पार्टीज, ठीक है मैं दूंगा। ये अच्छा सूझा तुम लोगों को, नहीं ड्रॉप्ड यहाँ पे रेडी। पानी दे दे भाई, बस भाई चालू करेंगे। तो तुम लोग मेरे को अथर्व से इतनी डांट खिला रहे हो, पूछो कैसे। तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी मैंने, कौन सी कौन सी? अच्छा गुड मॉर्निंग, तुम लोग मेरे को अथर्व से बहुत डांट खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो सर? एक जिम्मेदारी दी थी, पूरे फास्ट ट्रैक में एक लड़की ढूंढ के देना है अथर्व को। वो भी नहीं ढूंढ के दे रहे तुम। यस, बाकी तब तक आप वीडियो को लाइक करते रहिए, कोई ना कोई अथर्व को लाइक कर ही लेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। याद होगा तो भैया सिलेबस के बिल्कुल अंत पे आ गए हैं हम लोग, और अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक के ऊपर है, रिटर्न ऑफ इनकम। यस और नो, रिटर्न ऑफ इनकम टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क से 6 मार्क का क्वेश्चन, वो भी थ्योरी के अंदर में आता है, यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसके वो काय के है बेटा, थ्योरी के। यस अच्छा जी सर, कोई भी टाइम पास करने से पहले जरूर सोचिएगा टाइम विल पास वैल्यू। ये एक कोट बिल्कुल आपके टेबल पे जरूर लिखा होना चाहिए, टाइम विल पास विल यू, और फिर भी जवाब आ जाता है यस, तो अपने आप से दूसरा सवाल पूछना, यू विल स्टॉप बट टाइम विल नॉट। समझ में ही बात? तो अंडरस्टैंड सर, रिटर्न ऑफ इनकम। यस, ये कौन कौन से सेक्शन सर इसके अंदर में इंपॉर्टेंट रहेंगे? अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन 139 इसके अंदर में इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद में 139(4) और 139(5) इम्पॉर्टेंट रहेंगे, 139(a) और AA इम्पॉर्टेंट रहेगा, 139(b) TRP इम्पॉर्टेंट रहेगा, 139(8a) अपडेटेड रिटर्न इम्पॉर्टेंट रहेगा, अपडेटेड रिटर्न इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इतनी चीज आपको क्या करेगी, इम्पॉर्टेंट रहती है। अब देखिए होता क्या है, रिटर्न फाइलिंग कब आता है, साल भर में हम अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं फ्रॉम वेरियस हेड, रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करते हैं, क्लबिंग कुछ होगा तो वो ऐड करते हैं, सेट ऑफ कुछ होगा तो वो लेस करते हैं, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करते हैं, क्या बनती है बेटा, टोटल इनकम, एंड वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम। यस और नो? अब ये सारी चीज करने के बाद हमें जुलाई या अक्टूबर से पहले रिटर्न ऑफ इनकम देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ आर इनकम।
यस, ये स्टेटमेंट आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर कि भैया मेरे साल भर में इतना कमाया है और मेरी कमाई में का इतना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मैं सरकार को एज टैक्स दे रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस फैसिलिटीज, येस और नो। ये रिटर्न जाने के बाद क्या होता है, ये रिटर्न कहाँ जाता है? ये रिटर्न जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे सबमिट होता है? देखिए, दो मैटर है, एक आप फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन भी सबमिट करते हैं। आज 99.9% जितने भी रिटर्न है ये सब ऑनलाइन सबमिट होते हैं, येस और नो। ये जो रिटर्न सबमिट होते हैं ये कहाँ होते हैं? सर, इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे होते हैं। आप सबसे पहले लॉगिन करते हो क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के बाद में लॉगिन करने के बाद वहाँ पे ITR सेलेक्ट करते हो। 7 प्रकार के ITR होते हैं, कितने? 7, जिसमें से मेजरली 6 ही होते हैं और एक आपका शेड्यूल होता है पेमेंट का, टैक्स पेमेंट का, राइट? तो आप अकॉर्डिंगली कौन कौन से हेड की इनकम है उस बेसिस पे सिलेक्ट करते हो ITR कौन सा रहेगा। आप अपना ITR सिलेक्ट करते हो, यस, आप अपना ITR सिलेक्ट करते हो और ITR सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, उसको सबमिट करते हो। जब आप रिटर्न सबमिट करते रहते हो उसके पहले जो भी बैलेंस टैक्स पेमेंट था, अब ये बैलेंस टैक्स पेमेंट क्या हुआ, जो भी टैक्स पेबल आया इसमें से पहले TDS माइनस हो गया, एडवांस टैक्स माइनस हो गया, मैट EMT क्रेडिट माइनस हो गया, तो जो भी बैलेंस टैक्स बचता है ना इसको आप रिटर्न भरने से पहले सबमिट कर देते हो। इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये आप सबमिट कर देते हो रिटर्न भरने से पहले, यानी टेक्निकली रिटर्न में टैक्स पेबल दिखता है, इसमें से टैक्स ऑलरेडी पेड दिखता है और फाइनल रिटर्न कह जाता है नील। फाइनल रिटर्न काय का जाता है बेटा? नील, येस और नो। इस तरीके से रिटर्न सबमिशन की जरूरत होती है। अब रिटर्न जब भी सबमिट होते हैं, पहले ऐसा होता था कि आपको पैन लगता था, फिर रिक्वायरमेंट आई आधार भी लगेगा, और अब ये रिक्वायरमेंट को चेंज करके कह दिया पैन या आधार लगेगा। समझ में आई बात? तो चलिए, कोई भी रिटर्न सबमिट करने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट कौन सी बनती है? पैन। तो आइए सबसे पहला रिक्वायरमेंट को समझते हैं, पैन 139A, पैन। सर, पैन किस किस को लेना है? पैन किस किस को लेना है? रजिस्टर में जाइए, मैं फटाफट डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए, राइट? सेक्शन 139A, पैन। बराबर है, 139A पैन, पॉइंट नंबर वन। अब देखिए, हम पहले पढ़ रहे हैं किस किस को पैन लेना है। पॉइंट नंबर वन, इफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर किसी भी पर्सन की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चल जाए तो उसको रिटर्न भरना पड़ता है, और रिटर्न तब तक नहीं भर सकते जब तक कि क्या ना हो, पैन। इसीलिए जहां आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर गई आपको पैन लेना है। पॉइंट नंबर टू, इन केस ऑफ बिजनेस इफ सेल्स एक्सीड 5 लाख, बेटा थर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 139(4)A के अंदर में कवर होता है। क्या में कवर होता है, बोले जल्दी से? सेक्शन 139(4)A। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को पैन लेना मैंडेटरी है, फोर्थ, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल इफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सीड्स 250,000 If financial transactions exceed 250,000,
इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी अदर व्यक्ति जिसके साल भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी 2.5 लाख रुपए के ऊपर चले जाए, उसको क्या लेना है? पैन लेना है। यस, नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज एमडी, डायरेक्टर, ट्रस्टी, एमडी, डायरेक्टर, ट्रस्टी, कर्ता और प्रिंसिपल ऑफिसर और प्रिंसिपल ऑफिसर यस, इसको भी क्या करना है सर? इसको भी क्या करना है सर? पैन लेना है। इसको भी क्या करना है सर? पैन लेना है। ध्यान से समझिएगा, दिस पर्सन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक पैन। तो पैन किस किस को लेना है? कम ऑन, वंस अगेन, पहला जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो, दूसरा जिसने सेल्स 5 लाख से ऊपर किया हो, तीसरा चैरिटेबल ट्रस्ट, चौथा इंडिविजुअल को छोड़ के किसी भी अदर व्यक्ति का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 2,50,000 के ऊपर जा रहा हो, पांचवा अगर आप एमडी, ट्रस्टी, सीईओ वगैरह की पोजीशन पे जा रहे हैं तो आपको पैन लेना जरूरी है। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर। अब क्या होता है, देखिए लॉ ने क्या प्रोविजन बनाई है। आप रजिस्टर में इतना ही लिखिए, आपको इतना ही आने वाला है। इसके नीचे एरो करो, सॉरी एक और पॉइंट लिखो, और एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, और एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। बराबर, अब उसके नीचे एरो करो, इफ पैन इज नॉट टेकन और पैन इज रॉन्गली कोटेड पेनल्टी इज इक्वल टू 10,000। बराबर है? अच्छा, अब लॉजिकली एग्जाम में आपको इतना ही आ सकता है, कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा दिया है, आ इतना ही सकता है कि पैन की रिक्वायरमेंट किसको है और पैन न कोट करने पे पेनल्टी कितनी है। मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में आ इतना ही सकता है, बाकी चीज़ें हम यहाँ पढ़ लेते हैं, सिर्फ एक बार देखना। अब क्या हुआ था, एक दिन निर्मला सीतारमन जी ने ऑब्जर्व किया, आधार कार्ड तो 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा के पास है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट है, लेकिन पैन 40 करोड़ लोगों के पास ही है। यस, तो निर्मला सीतारमन जी ने एक ज़बरदस्त दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि भैया आपके आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है, इसीलिए देखो लिंकिंग ऑफ आधार और पैन आया था। यस, आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है। ये लिंकिंग करने के बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि आपके पास पैन नहीं है, वो डायरेक्टली आपको पैन अलॉट कर देंगे। मतलब अब तक जो इनकम टैक्स में कवर नहीं भी हो रहे थे वो भी पर्सन क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे, सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस से। तो आधार और पैन को क्या कराने की जरूरत है? लिंक कराने की जरूरत है। क्लियर है? राइट, सो अ पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड विद पैन, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है। राइट, अ पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड विद पैन बट पजेस आधार नंबर मे फर्निश हिज आधार नंबर इन लियो ऑफ पैन एंड सच पर्सन विल बी अलॉटेड अ पैन इन एनी सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। Every person entering into such transaction shall quote his Aadhaar number or PAN number. Every person receiving the document shall also ensure that Aadhaar or PAN is so authenticated. अब government आगे चल के कहती है, हम कुछ class और classes of transaction तुमको future में बताएंगे जिसमें देने वाले को अपना PAN authenticate करने की ज़रूरत है और लेने वाले को इस PAN या Aadhaar को authenticate करने की ज़रूरत है। अब इसका mechanism अब तक के बन के आया नहीं है, ये एक provisional provision है जो आपके सामने add की गई है। Wherein कैसा होगा, जैसे आज आपको कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना है तो आपके पास एक ओटीपी आता है और ओटीपी के थ्रू आप उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हो, ऑथेंटिकेट। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अब क्या करेगी, आपने अगर कहीं पे भी पैन दिया तुरंत सामने वाले की जिम्मेदारी बनेगी कि उसको क्या करे, ऑथेंटिकेट। मतलब वो वहां पे आपका पैन डालेगा और ये पैन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा, ये ओटीपी आप सामने वाले को बताएंगे और दोनों रिसीविंग एंड पर्सन गिविंग द डॉक्यूमेंट दोनों इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट।
इसका एक मॉडल बनाया जा रहा है फ्यूचर के लिए, ताकि दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये ऑथेंटिकेट लोगों के बीच में हो रहा है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि अभी से प्रोविजन बना के रखिए, एग्जैक्ट कौन से ट्रांजैक्शन इसमें कवर होंगे वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। यस, अच्छा, आधार एंड पैन मस्ट बी इंटीमेटेड, लिंक करने की लास्ट डेट दी गई थी 31 मार्च 2022, इसके बाद इसको 31 मार्च 2023 कर दिया, फिर इसको जून 2023 कर दिया, येस और नो, राइट? तो इसको लिंक करने की एक डेट दी हुई है, मुझे नहीं लगता पूछ सकता क्योंकि वो डेट क्या हो चुकी है, खत्म। यस, पिछले टाइम शायद पूछा था इसको क्योंकि वो लास्ट टाइम था। यस, आ जाओ। अब मान लो आधार और पैन को लिंक कराने की जरूरत है, अगर ये लिंकिंग नहीं कराया तो क्या होगा? यस, नीचे एरो करो रजिस्टर में, एरो करो, लिखो आधार एंड पैन मस्ट बी लिंक्ड। बाय द प्रिस्क्राइब डेट। प्रिस्क्राइब डेट के बाजू में लिख दीजिए जून 2023। If not linked till that day, a fees of ₹1,000, is applicable. Under section 234H, a fees of ₹1,000 is applicable under section 234H. देखिए एक नया रूल लाया, क्योंकि जून 2023 लास्ट डेट थी, उसके बाद क्या होगा लोगों को पता ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आप अगर आज आधार और पैन को लिंक कराना चाहते हैं ₹1,000 का फीस लगेगा। जून 2023 तक के ये पूरा का पूरा फ्री था। जून 2023 के बाद अगर आप आधार या पैन करवाने को लिंक करवाना चाहते हैं ₹1,000 की फीस देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 234H। यस और नो? अच्छा, ओके सर, और क्या होगा? फीस तो लगेगी लगेगी, साथ साथ में पैन भी क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव। पैन भी क्या हो जाएगा बेटा? इनऑपरेटिव हो जाएगा, राइट? उसी के आगे लिखिए फर्दर, पैन वुड बी इनऑपरेटिव, द पैन वुड बी इनऑपरेटिव एंड वंस द फीस ऑफ ₹1,000 इज पेड his pan will again became operative, within 30 days, तो अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया, अब मैं आपको बताऊं आपको क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, 100% इस पार्ट पे क्वेश्चन आएगा, ऊपर पे भी नहीं आएगा, ऊपर वाला पूछना बंद कर दिया। अब आएगा कि पैन और आधार की जो डेट थी वो क्रैश हो चुकी है, अब क्या होगा? अब यहाँ से आपको कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जाएंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस, ₹1,000 का फीस लगेगा। दूसरा, ₹1,000 के फीस लगने के बाद वापस कब ऑपरेटिव होगा? 30 दिन के अंदर में। समझ में ही बात? आपको कन्फर्म जो पॉइंट पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, एज इट इज बोल रहा हूँ। लास्ट फास्ट ट्रैक में भी मैंने क्लियर कट बोला था, जो पॉइंट आएगा वो आया, इस पॉइंट पे भी बोल रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही बात? बाद में आकर के थैंक यू लिख के जाना वीडियो पे। अब तीसरा पार्ट बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई पैन इनऑपरेटिव हो गया तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी तो होंगे ना भाई, क्योंकि जब तक आप ₹1,000 का फीस नहीं भरते वापस ऑपरेटिव नहीं होता। तो जब तक आपका पैन इनऑपरेटिव रहता है कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, इस पर आपको क्वेश्चन बनेगा। यस, वापस से नीचे एरो करो,
लिखो कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन पैन इज इन ऑपरेटिव, कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन पैन इज इन ऑपरेटिव. पॉइंट नंबर वन, नो रिफंड विल बी इशूड, नो रिफंड विल बी इशूड. पॉइंट नंबर टू, नो इंटरेस्ट ऑन रिफंड विल बी गिवन. नो इंटरेस्ट ऑन रिफंड विल बी गिवन. पॉइंट नंबर थ्री, टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट. पैन है ही नहीं, यही अज्यूम किया जाएगा ना. टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट 206AA, टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट. सर टीसीएस विल ऑल्सो बी कलेक्टेड एट हायर रेट. फोर्थ, टीसीएस विल ऑल्सो बी कलेक्टेड एट हायर रेट. इधर देखिए ये कब से इफेक्टिव है, 1/7/2023, क्योंकि आखिरी डेट क्या थी, 30/6/2023. तो 1/7 से ये कॉन्सिक्वेंसेज लागू हो जाएंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चार कॉन्सिक्वेंसेज है, कम ऑन रिपीट. आप ऊपर वाला पैन कब लेना है ये नहीं भी पढ़ोगे इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, May-November 2024, June-December 2024 के लिए बिल्कुल चलेगा. क्वेश्चन जो आएगा वो नीचे वाले पार्ट पे आएगा, बोल के देता हूँ. हाँ, पैन और आधार को लिंक करने की जरूरत थी, वहीं से रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ. पैन और आधार को लिंक करने की जरूरत थी, अगर लिंक नहीं किया तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. अब 234H के हिसाब से क्या लगेगा, फीस. अब इनऑपरेटिव हो गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, चार कॉन्सिक्वेंसेज है. पहला, रिफंड इशू नहीं होगा, रिफंड पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी नहीं मिलेगा, टीडीएस हायर रेट पे कटेगा, टीसीएस हायर रेट पे कटेगा. क्लियर है? यस. अच्छा, दूसरी बात सर, ये प्रोविजन कब से लागू होगी, 1/7, क्योंकि लास्ट डेट कब की थी, 30/6. क्लियर है ब्रो? चलो ये हो गया आपका पैन वाला प्रोविजन. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 139AA, आधार. क्योंकि पैन नहीं दिया तो आधार दोगे तो भी चल जाएगा. यस, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, आधार. गिव द नेक्स्ट हेडिंग आधार. आज जो लिखना है आपको लिखना, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ. 139AA आ से आधार, ठीक है. अब ध्यान से सुनिए, 1 जुलाई 2017 से रिटर्न भरने से पहले और पैन अप्लाई करने से पहले आपको आधार जरूरी है. अगर आपके पास आधार नहीं है, आप एनरोलमेंट आईडी भी कोट कर सकते हैं. बराबर है? आप आधार नहीं है तो क्या कोट कर सकते थे, एनरोलमेंट आईडी भी कोट कर सकते थे. आधार और पैन को एक स्पेसिफाइड डेट तक के लिंक करने की जरूरत है. डेट भूल गया मैं, 30/6/2023. अगर नहीं किया तो योर पैन विल बिकेम इन ऑपरेटिव. यही प्रोविजन पैन में भी पड़ी, यही प्रोविजन हम आधार में भी पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन चार लोगों को आधार लेने की जरूरत नहीं. लॉजिकली क्वेश्चन इस पे आएगा, मतलब चार लोग अपना रिटर्न भर सकते हैं, इवन दो आधार इज नॉट टेकन, इवन दो आधार इज नॉट टेकन. क्वेश्चन इस पे आएगा. कौन कौन सा? पहला, नॉन रेसिडेंट. एकदम सेंसिबल बात है, नॉन रेसिडेंट को भी इंडिया में रिटर्न भरने की जरूरत पड़ती थी. यार अब तो ऑप्शन आ गया पैन या आधार वाला. पहले क्या था, पैन भी था और आधार भी था, तो सिचुएशन क्या होती थी, नॉन रेसिडेंट कभी अपना रिटर्न ही नहीं भर पाता था. विद अ वेरी बेसिक लॉजिक, आधार तो उसको मिलता है जो इंडिया में रेसिडेंट है, तो वो कभी रिटर्न भर ही नहीं सकता था. नॉन सिटीजन कभी रिटर्न नहीं भर सकता था. यस, तो ऐसे केस में बड़ी दिक्कत आती थी. तब जाके लॉ में चार एक्सेप्शन क्रिएट किए गए कि भैया चार लोगों के पास आधार नहीं भी है, स्टिल दे विल एलिजिबल टू फाइल रिटर्न. यस, उसके अंदर में पहला पॉइंट लिखिए, Every person must quote his Aadhaar number on PAN application, and return filing.
बराबर है। पॉइंट नंबर टू, इफ आधार एंड पैन इज नॉट लिंक्ड, इफ आधार एंड पैन इज नॉट लिंक्ड पैन वुड बिकेम इन ऑपरेटिव। पैन वुड बिकेम इन ऑपरेटिव। नीचे एरो करके, पोर्टिंग आधार इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, पोर्टिंग आधार इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पॉइंट नंबर वन एनआर, पॉइंट नंबर टू नॉट सिटीजन, पॉइंट नंबर थ्री पर्सन 80 इयर्स और अबव, पर्सन 80 इयर्स और अबव, पॉइंट नंबर फोर पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम मेघालय जम्मू कश्मीर, पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम मेघालय जम्मू कश्मीर। देन खत्म, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए रिटर्न भरने के कई तरीके थे, एक खुद होके भर दो, दूसरा रिटर्न टीआरपी से भर दो। अब ये टीआरपी क्या है, तीसरा बल्क रिटर्न भर दो एम्प्लॉयर के थ्रू। मतलब मेनली रिटर्न भरने के तीन बड़े बड़े स्कीम हैं, एक खुद होके भर दो जो 99% लोग करते हैं, दूसरा एक स्कीम था आप टीआरपी से भी भर दो, और तीसरा स्कीम है आप एम्प्लॉयर के थ्रू भर दो। बराबर है, रिटर्न थ्रू टीआरपी का कंसेप्ट लास्ट टाइम में पूछा है, रिटर्न थ्रू टीआरपी का कंसेप्ट लास्ट टाइम में पूछा, और मैंने पिछले ही फास्ट ट्रैक में भी बोला था ये कन्फर्म पूछेगा, अब नहीं पूछने वाला बट पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये टीआरपी क्या है, सेक्शन 139 बी, याद रखने का सिंपल तरीका, बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, इस केस में क्या है कि कुछ लोगों को अलाउ किया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, एसएससी की बिहाफ पर रिटर्न भर सकते हैं, हालांकि कुछ रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकते। ये सुनो, अब क्वेश्चन मैक्सिमम किस पॉइंट पे आता है, कौन से ऐसे रिटर्न है जिस पर टीआरपी नहीं भर सकते अपना रिटर्न, इसी पे ही क्वेश्चन बनता है। यस, अभी टीआरपी क्या था, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स, राइट। ये टीआरपीज जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही बैठते थे, टीआरपीज जो थे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही बैठते थे और ये अपना रिटर्न सबमिट करवाते थे, राइट। बट ये किसके लिए प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए, ये किसके लिए प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। अब मैं इसे बकवास स्कीम क्यों कह रहा हूँ, दो मिनट में आप समझ जाएंगे। यस, सबसे पहले टीआरपी का क्वालिफिकेशन क्या है, गजब का क्वालिफिकेशन है सर। देखिए, एनी पर्सन हु इज ग्रेजुएट, क्या बोला, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन जो ग्रेजुएट है वो स्कीम को भर सकता है, बीकॉम, बीएससी, बीबीए। चलो एक बार का मैं बीकॉम का मान भी लेता हूँ कि उसमें इनकम टैक्स आता है, वो भी थर्ड ईयर में, ये बात अलग है कि वो एक साल पीछे चल रहे हैं, ये बात अलग है कि वो एक साल पीछे चल रहे हैं, बट बीकॉम यहाँ तक के ठीक था, बीएससी, बीए, गजब। दूसरा, हु हैज क्लियर्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ सीएससीएसएम, बराबर, जिसने इंटरमीडिएट क्लियर किया, वहां पे क्लियर लिखा है, समझ रहे हो ना तुम, गजब बेइज्जती है, यहाँ पे क्लियर लिखा है, मतलब जो फाइनलिस्ट है वो टीआरपी बन सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, तुम्हारी बात नहीं चल रही है, क्लियर लिखा है, बराबर है, अबाउट टू क्लियर वाले नहीं लिखा है, अबाउट टू क्लियर हो ना तुम, हो जाओगे ना। हाँ सुनो, तो टीआरपी, हालांकि कुछ लोग टीआरपी नहीं बन सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
आपको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए पर आपको हमारा फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, समझ में आई बात? ये वो स्कीम है, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। अरे भाई आपको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए, आपको हमारा फिनिश प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। अच्छा यस, लीगल प्रैक्टिशनर। देखिए सीएस इंडिया में बहुत सारे नहीं है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है सीएस की। तो आज भी गांव में या कई जगहों पे क्या होता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं ना वही रिटर्न भर देते हैं, इसलिए आप देखिएगा कई बार सीए को वकील साहब भी बोला जाता है। कॉमन पार्लेंस में वर्ड यूज़ किया जाता है, दोनों डिग्री अलग है, दोनों प्रोफेशन अलग है, पर कॉमन पार्लेंस में वकील साहब देख लो जरा कर लो। तो कई जगह पे अब जैसे मैं अगर मेरे ससुराल की बात करूँ, राइट, वो बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा, वहाँ पे आज से 3-4 साल पहले तक के एक सीए भी नहीं था। यस, मतलब जो इन प्रैक्टिस था, पल्लवी वहाँ पे से थी बट वो इन प्रैक्टिस वहाँ नहीं थी, वो इन प्रैक्टिस हमारे फॉर्म में थी। तो उनके गाँव में तो कोई था ही नहीं, तो मैक्सिमम जो रिटर्न भरते थे ना वो वहाँ के एडवोकेट भरा करते थे। तो लीगल प्रैक्टिशनर्स को भी टीआरपी से बाहर कर दिया, ना सीए ना लीगल प्रैक्टिस, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। समझ आ रही है बात? इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इसके लिए ये पूरी स्कीम। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, दूसरी तरफ लोग रिटर्न सस्ते में भर पाएंगे। लेकिन कुछ रिटर्न टीआरपी कभी नहीं भर पाएंगे। पहला, जो लोग टैक्स ऑडिट में आ रहे हैं उनके रिटर्न टीआरपी कभी सबमिट नहीं कर पाएंगे। ओ, बीकॉम के सिलेबस में टैक्स ऑडिट आता नहीं ना? टैक्स ऑडिट आप मेरे साथ पढ़ेंगे सीए फाइनल में, एक पूरा का पूरा चैप्टर है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है, न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है सीए फाइनल में टैक्स ऑडिट। उसमें क्लॉज बाय क्लॉज बताया है टैक्स ऑडिट में क्या भरना है क्या नहीं भरना है। तो आपको पूरे के पूरे 40+ क्लॉज दिए हैं, वो पढ़ना होता है, याद भी रखना होता है कौन से क्लॉज में क्या डालना है। तो ऐसे 43 क्लॉज याद रखने पड़ेंगे, और आपको पूछा जाएगा पेपर में, स्पेसिफाई द डिटेल्स टू बी सबमिटेड इन क्लॉज नंबर 17 ऑफ टैक्स ऑडिट, और आपको ये याद रखना चाहिए। ये फाइनल में है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क के लिए आपको 40+ क्लॉजेस याद रखने हैं, और ये एक टॉपिक है पूरे डीटी का। समझ में आ रही बात? ये एक टॉपिक है, आ जाओ। तो ये टैक्स ऑडिट वाले केसेस टीआरपी नहीं कर सकते। दूसरा, रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकते अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा है। हाँ, समझ नहीं आया होगा ना पहले वाले ने क्या किया। तो ओरिजिनल रिटर्न आपने नहीं भरा तो रिवाइज रिटर्न आप नहीं भर पाएंगे। नॉन रेसिडेंट का रिटर्न टीआरपी नहीं भर पाएगा। ओ, एनआर टैक्सेशन बीकॉम में आता नहीं है, वो फाइनल में आता है सीए फाइनल में, तो एनआर के भी रिटर्न आप नहीं भर पाएंगे। यस, तो ये तो वो दो चीज़ हो गई जो सिलेबस में नहीं है, और ये उसको समझ ही नहीं आएगा कि पहले वाले ने किया क्या है। बराबर है? तो ये 3 रिटर्न टीआरपी कभी फाइल कर सकता नहीं। रजिस्टर में जाओ, हेडिंग दो, सेक्शन 139B टीआरपी। बराबर, ये देखो उसके नीचे ऐसे दो कॉलम बना दो, एक Who can't be TRP? Following return of income cannot be filed by TRP. ऐसे दो कॉलम बना दो, दोनों कॉलम में आपका जो मेन चीज है वो कंटेंट कवर हो जाता। Who can't be TRP? पहला CA, दूसरा लीगल प्रैक्टिशनर। देखो फटाफट, CA लीगल प्रैक्टिशनर, थर्ड अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय लॉ, अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय लॉ। कौन कौन से रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता? पहला, पर्सन कवर्ड इन टैक्स ऑडिट,
पर्सन कवर्ड इन टैक्स ऑडिट, पॉइंट नंबर टू नॉन रेसिडेंट्स रिटर्न, नॉन रेसिडेंट्स रिटर्न, पॉइंट नंबर थ्री इफ ओरिजिनल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बाय टीआरपी, इफ ओरिजिनल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बाय टीआरपी, ठीक है ओके। अब आते हैं और दो फर्दर सेक्शन के ऊपर, ये बिल्कुल एग्जाम में नहीं आने वाले, ये वो वाले सेक्शन है। पहला बल्क रिटर्न, मतलब रिटर्न थ्रू एम्प्लॉयर। देखिए भारत के 16 शहरों के अंदर में एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि एम्प्लॉई, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि देखिए रिटर्न भरने के लिए आपको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती, बराबर है, तो वो बंदे के पास टाइम नहीं होता। ऐसे केस के अंदर में क्या होता है, ऐसे केस के अंदर में क्या होता है, वो बेचारे के पास टाइम नहीं होता तो वो रिटर्न नहीं भर पाता, बाद में उसको पेनल्टी लगती। तो सरकार ने क्या किया था, सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि सारे एम्प्लॉय अपनी इन्फॉर्मेशन किसको दे देंगे, एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर उनके बिहाफ पे क्या करेगा, रिटर्न सबमिट करेगा। और इस स्कीम को कहा जाता था बल्क रिटर्न, यानी एम्प्लॉयर अपने सारे एम्प्लॉय के रिटर्न एक साथ उठा के एक सीडी में लेता था और ये सीडी सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देता था कि ये हमारे यहाँ के सारे एम्प्लॉयर के रिटर्न एक साथ सबमिट कर लो। आर यू गेटिंग द पॉइंट, पेन ड्राइव हार्ड डिस्क डीवीडी किसी में भी वो सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल डाल के दे देता था, इसको कहा जाता था बल्क रिटर्न। यस ऑर नो, खैर अब चलता भी नहीं, बिल्कुल लिखना भी नहीं है। स्पेसिफाइड एसएससी सैलरीड कैन फाइल देयर आरओआई टू एम्प्लॉयर एंड देन एम्प्लॉयर शैल फर्निश सच रिटर्न इन बल्क इन अ पीडी और सीडी टू डिपार्टमेंट, ठीक है। अब एक और सेक्शन है जिसको हमको बिल्कुल नहीं लिखना, सेक्शन 139(1)(c). ये एक पावर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ लोगों को एक्सक्लूड कर सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। आज के तारीख में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। ये एक पावर है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग आरओआई। तो वो लोग को एग्जम्पशन मिला है काय में से बेटा, रिटर्न फाइलिंग से। इज दैट डन? तो चलिए, रिटर्न आप काय से भर सकते थे, टीआरपी। रिटर्न आप किसके थ्रू भर सकते थे, एम्प्लॉयर। और तीसरा क्या है, बाय सेल्फ। समझ में आया? तो अब किन किन लोगों को मैंडेटरी रिटर्न भरना है, गिव द नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट, सेक्शन 139 फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यस, अच्छा जी, ध्यान से सुनिए, किस किस को रिटर्न भरना जरूरी है। पहला कंपनी और फर्म, लिखते जाओ एक एक पॉइंट, कंपनी और फर्म मैं बताती जाऊंगा, पॉइंट वाइज आप लिखते जाइएगा। पहला कंपनी और फर्म, कंपनी प्रॉफिट में हो लॉस में हो, फर्म प्रॉफिट में हो लॉस में हो, रिटर्न भरना मैंडेटरी है, विषय खत्म। यस, दूसरा एनी अदर पर्सन, पॉइंट नंबर टू, एनी अदर पर्सन इफ टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इफ टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बराबर है ओके। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही हो, इसको क्या करना है, रिटर्न सबमिट करना है। प्लीज एक बात समझिए, रिटर्न सबमिट करने का कहीं पे भी मीनिंग ये नहीं होता कि आपको टैक्स पे करना है, समझ में आ रही बात, आपको रिटर्न सबमिट करना है। वो निल रिटर्न भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, निल रिटर्न, या रिफंड का रिटर्न भी हो सकता है। अच्छा जी सर, थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP इफ टोटल इनकम विदाउट क्लेमिंग, इफ टोटल इनकम विदाउट क्लेमिंग
एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10A/10B, 54/54B, 54/54B/54D, 54EC, 54F, 54G/GA/GB, 54G/54GA/54GB, Chapter 6A, exceeds basic exemption limit, exceeds बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. तो मान लीजिए हर इंडिविजुअल को रिटर्न भरना है, अगर वो इन कोई भी एग्जम्पशन को क्लेम करने से पहले या डिडक्शन को क्लेम करने से पहले उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही होगी. भाई सीधे शब्दों में समझो, अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, क्या बोला बेटा मैंने, ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही होगी तो रिटर्न भरना है. या फिर कैपिटल गेन के एग्जम्पशंस को देखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. मान लीजिए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था 5 लाख रुपए का, इसमें से मैंने 54 का एग्जम्पशन ले लिया 5 लाख रुपए का, टेक्निकली मेरा टोटल इनकम क्या हो गया, निल. स्टिल मुझे रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि इनकम विदाउट क्लेमिंग 54 अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है. समझ में आ रही है बात, राइट? मुझे रिटर्न भरने की ज़रूरत है. चलो बेटा नेक्स्ट, ROR, फोर्थ पॉइंट. ROR हैविंग असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, ROR हैविंग असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, आइदर एज अ बेनिफिशियरी, either as a beneficiary or beneficial owner, either as a beneficiary or beneficial owner, अगर आप ROR है मतलब आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है. पता कैसे चलेगा ग्लोबल इनकम है, जब तक के उसकी साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया के डिटेल्स आपके पास ना हो या उसके फॉरेन बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास ना हो, तब तक क्या पता ही नहीं चलेगा एओ को. तो ऐसा व्यक्ति जिसकी साइनिंग अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल स्विस बैंक अकाउंट, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, या फिर कोई एसेट आउटसाइड इंडिया है, तो उस व्यक्ति को रिटर्न भरना है, चाहे उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर ना हो, उसे रिटर्न भरना है. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, Any person who has deposited amount exceeding one crore in one or more current account. In one or more current account. बराबर है भाई जी? एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया है 1 करोड़ के ऊपर, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टूड इट एज कैश डिपॉजिट. उन्होंने सिर्फ डिपॉजिट लिखा है. तो विजय के अकाउंट में एकत्वम से RTGS आता है 1 करोड़ का, तो भी विजय को रिटर्न भरना. पॉइंट टू बी नोटेड, ये इनकम टैक्सेबल हो ये जरूरी नहीं है. उन्होंने सिर्फ डिपॉजिट लिखा है, उन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, डिपॉजिट. तो अगर डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है करंट अकाउंट में, तो आपको रिटर्न भरना है. बराबर है? नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन हु हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर, any person
हु हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख exceeding rupees 2 lakh on travel to a foreign country for himself or other person यस अब अंडरस्टैंड कीजिए क्या होता था। एक बार इस पर निर्मला सीतारमन जी हंसी भी थी कि भैया आजकल क्या हो चुका है, फॉरेन जाने का ट्रेंड हो चुका है। मतलब शादी हुई, आप घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो? फॉरेन। शादी से पहले घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो? फॉरेन। डेस्टिनेशन में भी सेम और डिफरेंट, दैट्स ओके, पर आदमी क्या होता था, घूमने के लिए जाते थे। अब ऐसे ऐसे लोग टूर पर जा रहे थे फॉरेन के अंदर में जिनने आज तक इनकम टैक्स कभी भरा ही नहीं। मतलब सोच के देखिए, आप फॉरेन जा रहे हैं मतलब मिनिमम 1-1.5 लाख तो खर्चा हो गई, मिनिमम से मिनिमम सर 1-1.5 लाख तो खर्चा हो गई। फिर कंट्री टू कंट्री ये खर्चा ज्यादा या कम भी हो सकता है। अरे भाई दुबई जा रहे हो, कुवैत जा रहे हो, बाली जा रहे हो, यस और नो? राइट। तो आप अलग अलग जगह जा रहे हो जहां पे खर्चे अलग अलग होने हैं, वियतनाम जा रहे हो, बराबर है। तो इस केस में क्या होता था, वो बोलते थे यार आदमी के पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के, इनकम टैक्स ही नहीं है इनकम देने के लिए, पर ये फॉरेन घूम के जरूर आ रहा है। उनको बोला कि भैया अगर तुम्हारे लिए या किसी और के लिए 2 लाख से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो फॉरेन ट्रैवल पे तो रिटर्न भरो। नेक्स्ट, हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख बराबर। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है, भरो। अब ये क्यों लाया तुमको पता है क्या? कई लोग जो गेमर और यूट्यूबर है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे इनको? यूट्यूब चैनल तो कोई भी नाम से बनता ना, इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भैया ये लोग कौन है? ये सुनो, अब जैसे टेक्निकल गुरुजी, इस पे नाम तो लिखा ही नहीं है ना, हुज टेक्निकल गुरुजी? अंडरस्टैंड करिए, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है इनकम टैक्स के साथ। अब ये बंदा कहीं ना कहीं बैठ करके यूट्यूबिंग या अदर एक्टिविटी कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जरूर यूज़ कर रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रेस करो भैया इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इसका कितने से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है, मतलब ये कोई ज़रूर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। अब क्योंकि देखो, यू नो, बच्चों का ना एक बहुत ईजी सा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मिलियंस में व्यू है इसके, एक मोटा हाथी झूम के चला, जिंगल है एक्चुअली, एक मोटा हाथी झूम के चला। अब वो किसी रैंडम पर्सन ने अपने यूट्यूब चैनल पर रैंडम नाम से डाल दिया, बात समझना। यस, अगर आप जैसे मेरे केस में भी देखोगे, मेरे वीडियो मेरे से ज़्यादा किसी और चैनल पे है, 15 रुपये, बात समझना। आप ट्राई करो सर, जेन्युइनली मैं आपको बोल रहा, इतने सारे वीडियो है और इतने सारे रील बना करके डाले हुए, मेरे को खुद को नहीं मालूम मेरे ऊपर कितने बने हुए, पर आप अगर जैसे ही सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। और आप 1 मिनट के लिए ना सिर्फ चैनल देखना, अच्छा उनमें भी लाखों पे व्यू है, और आप चैनल देखोगे तो वो मेरा चैनल नहीं है, मेरे चैनल पे वो है ही नहीं। अब सिचुएशन क्या है, ये अननेम्ड पर्सन या अनआइडेंटिफाइड पर्सन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो इनके लिए, अब जैसे बिटकॉइन से इनकम आ रही, टेक्निकली ये पर्सन हिडन है, पर बिटकॉइन माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हुई होगी, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया, बोला गया कि भैया इनका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन देखो। अगर आपका 1 लाख रुपए से ऊपर का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन आ रहा है, आप फोकस कीजिए, कहीं ये नहीं लिखा बिजनेस का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन या पर्सनल। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन अगर 1 लाख रुपए के ऊपर आ रहा है, उसने रिटर्न भरना है। यस, नेक्स्ट पॉइंट। अब जो लिखोगे ना, ये एग्जाम में आएंगे सर, तो ऊपर से जो लिस्ट लिखी नहीं आएंगे,
अब जो लिखोगे वो कंफर्म एग्जाम में आएंगे। लिखो, एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड सेल्स टर्नओवर एक्सीड 60 लाख, एंड सेल्स टर्नओवर एक्सीड 60 लाख, इज दैट डन? अगर किसी भी व्यक्ति का सेल्स टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, उसको भी रिटर्न भरना है, उसको भी क्या करना है, रिटर्न भरना है। मतलब यहां तो छोटे से छोटे व्यापारी को भी कवर कर लिया, 60 लाख का टर्नओवर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, एनी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन इफ ग्रॉस रिसीट एक्सीड 10 लाख, इफ ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड 10 लाख, नेक्स्ट, एनी पर्सन हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट, एनी पर्सन हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट, एंड डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग अकाउंट एक्सीड 50 लाख, एक्सीड्स 50 लाख। जी बेटे बताओ, आई थिंक द पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यस, आपने अगर किसी भी सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट प्लस विड्रॉल, मान लो आपने 40-40 लाख के दो पेमेंट डाले जिसमें से 40 लाख निकाल दिए, बताइए रिटर्न भरना है क्या? डिपॉजिट 50 लाख के ऊपर हुआ, आपको रिटर्न भरना है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन इफ इफ टीडीएस टीसीएस इन हिज केस एक्सीड 50,000, TDS TCS exceeds, बोलो बेटा, 50,000। अगर किसी सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपये के ऊपर TDS कट रहा है, ये तो 194A की लिमिट है ना, 194A की लिमिट है, याद करके देखो 194A TDS इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन का TDS 50,000 रुपये से ऊपर जा रहा है, उनको रिटर्न भरना है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल नॉट अ सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल नॉट अ सीनियर सिटीजन इफ TDS TCS एक्सीड, इफ TDS TCS एक्सीड बोलो बेटा 25,000। अगर कोई भी व्यक्ति है अदर देन सीनियर 25,000 से ऊपर का TDS कटा है, उस व्यक्ति को रिटर्न भरने की जरूरत है। लॉजिकली ये जो अभी आखिरी के लोग लिखा है, इनमें ही आपको क्वेश्चन आने वाला है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा बिजनेस से लेके आखिरी TDS तक के। समझ में आया? इसको एक बार वापस पढ़ो, हो सकता है ना 194P में एग्जम्पशन मिल जाए,
पॉसिबल है ना। चलो कम ऑन, फिर से एक बार पढ़ो। सर जी डन, वाह भाई वाह। सर सिर्फ ये लोगों के ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये न्यूएस्ट थिंग है जिसके ऊपर अब तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस चैप्टर में कुछ फोकस करना, इस पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। नेक्स्ट क्या है बेटा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न लिखो, सेक्शन 139(1), ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। इज अ डन ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न? बताओ, अगर कोई टीपी रिपोर्ट के लिए लाइबल है तो, अगर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के लिए लाइबल है तो 30th November, टैक्स ऑडिट में कवर है तो 30th October, याद आ रहा है क्या? और अदरवाइज 31st July, क्लियर है? तो तीन ही पॉइंट लिखना है। पॉइंट नंबर 1, लाइबल टू टीपी रिपोर्ट, लाइबल टू टीपी रिपोर्ट 30th November। पॉइंट नंबर 2, पर्सन कवर्ड इन टैक्स ऑडिट एंड कंपनी, पर्सन कवर्ड इन टैक्स ऑडिट एंड कंपनी। October 31 ऑफ द असेसमेंट ईयर। October 31 ऑफ द असेसमेंट ईयर। थर्ड कैटेगरी अदर्स, 31 July ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है। अब एक सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 5A। मुझे कम लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी सुन लीजिए। देखिए क्या हुआ, पोर्टुगीज सिविल लॉ इंडिया को, इंडिया में पोर्टुगीज भी आए थे, जैसे अगर आप देखेंगे दमन एंड दीव एंड गोवा, यहाँ पे बहुत सारे लोग पोर्टुगीज हैं। जैसे आपने कभी गोवा की फ़ोटोज़ देखी होंगी किसी भी व्यक्ति की, तो बहुत कलरफुल वॉल्स के पास फ़ोटो खिंचाई जाती है, बराबर है? पूरा गोवा एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक एरिया है गोवा का जिसको पोर्टुगीज कॉलोनी कहा जाता है ना? एग्जैक्टली जो कसिनो है ना, कसिनो के अपोजिट एरिया है एक पूरा का पूरा, राइट? तो जो कसिनो का नाम भी याद नहीं है ना मेरे को, ऐसी जगह जाता नहीं, एक तो बिग डैडी है ना, नहीं बिग डैडी है, हाँ नहीं बिग डैडी कसिनो ही है तो अरे नहीं मेरे को लगा वो दूसरे सेंस में बोल रहा है, तो बिग डैडी के अरे मेरे को नहीं मालूम भाई, मेरे को याद नहीं है कसिनो के नाम, इसके लिए ऐसी जगह जाना होता नहीं ना कभी, ऐसा ना तो ऐसा पता नहीं रहता। तो बिग डैडी के अपोजिट इन्हें एक जगह है कॉल्ड एज पोर्टुगीज कॉलोनी, वहाँ पे ये है। अब सिचुएशन समझिए, पोर्टुगीज सिविल लॉ इंडिया के अंदर में एप्लीकेबल है, उस लॉ के हिसाब से हस्बैंड और वाइफ की जो इनकम है उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है, मतलब कमाया भले ही हस्बैंड ने भी हो तो भी वाइफ के अंदर में उसे इक्वली डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, एक्सेप्ट द इनकम ऑफ सैलरी। तो सैलरी इनकम को छोड़ करके बाकी कोई भी इनकम हस्बैंड और वाइफ में इक्वली डिवाइड होती है। अब प्रॉब्लम क्या होता था, मान लो हस्बैंड टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर हो रहा है पर वाइफ टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर नहीं हो रही,
तो सिचुएशन क्या होता था, एक का रिटर्न जाता था अक्टूबर में और दूसरे का चल जाता था जुलाई में। अब वाइफ जुलाई में अपना रिटर्न सबमिट ही नहीं कर पाती थी, क्यों? क्योंकि जब तक के हस्बैंड का इनकम फाइनल नहीं होगा, वाइफ का इनकम कैसे फाइनल हो जाएगा? वो तो डिवाइड होता है टू में, बराबर है। अब वाइफ वाइफ आ रही है किसके अंदर में? नॉन टैक्स ऑडिट केस के अंदर में आ रही है मान करके चलो, और हस्बैंड आ रहा है टैक्स ऑडिट केस के अंदर में। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हस्बैंड को सैलरी भी आ रही है, अदर इनकम भी आ रही है। अब हस्बैंड टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर हो रहा है, वाइफ टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर नहीं हो रही है। या फॉर दैट मैटर जब तक कि एक का इनकम सेटल नहीं होता, आप दूसरे का इनकम सेटल ही नहीं कर सकते। तब जाकर के एक लॉ बना कि अगर एसएससी पोर्टुगीज सिविल लॉ के अंदर में कवर हो रहा है तो दोनों का फाइलिंग ऑफ रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो क्या रहेगा? सेम। समझ में आई बात? पर ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जिनके ऊपर पोर्टुगीज सिविल कोड एप्लीकेबल है, सिर्फ उनके लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब देखो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है, मुझे लगता है ये नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर पूछा जाए तो याद रखने का, जो हस्बैंड का ड्यू डेट है वही वाइफ का ड्यू डेट बनेगा या वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न ना भरे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? रिटर्न ना भरने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कुछ याद आता है क्या? पहला क्या लगेगा? फीस। फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। समझ में आई बात? यानी पहली चीज लगती है फीस। गिव द नेक्स्ट हेडिंग 234F, गिव द नेक्स्ट हेडिंग 234F। देखो हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे दमन से भी है, गोवा से भी है, सर कभी गोवा हो? हाँ गोवा लिखो। 234F फीस। पढ़ो मतलब कैसे, जिस टाइम आपका ध्यान रहे तब पढ़ाऊं, सेंसिबल भी है। बराबर है, इसमें तेरा अटेम्प्ट जाएगा। लिखो बेटा। यस सर, 234F इज द फीस। फीस कितना? अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, जुलाई या अक्टूबर, आपको जो फीस लगती है वो लगती है, बोलो जल्दी से, 5,000 rupees, राइट? अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू सबमिट, फेल टू सबमिट विद इन द टाइम, ही शैल पे अ फीस ऑफ रुपीज। बोलो बेटा 5,000। बट अगर आपको याद हो रहा हो, इफ इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 lakh, तो मैक्सिमम फीस कितनी है? 1,000। याद आ रहा है? प्लीज राइट डाउन 234F फीस। If a person failed to file return, fees is rupees 5,000. If the income does not exceed 5 lakh, the fees would be 1,000. धन्य जी, ओके। पहला क्या लगता है? फीस, बराबर। दूसरा क्या लगेगा बेटा? इंटरेस्ट। गिव द नेक्स्ट हेडिंग 234A, 234A इंटरेस्ट। हाँ जी, बात करते हैं इंटरेस्ट की। सर इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। याद आ रहा है? यस। फ्यूचर में चल के रिटर्न फाइल कर दिया तो जिस दिन तक के रिटर्न फाइल किया तब तक का इंटरेस्ट, और फ्यूचर में चल के कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं
तो जब तक असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट लगेगा. एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन, इफ अ पर्सन हैज फेल्ड टू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम, इफ अ पर्सन हैज फेल्ड टू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम, or the return is not filed at all, or the return is not filed at all, interest at the rate of 1%, interest at the rate of 1% for every month or part thereof for every month or part thereof is applicable commencing from the next day after the due date, commencing from the next day after the due date, and if return is filed in future, and if return is filed in future, till the date return is filed, till the date return is filed, if return not filed, if return not filed, till the date of completion of assessment, till the date of completion of assessment, is that done? Major consequences. तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस है लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने मिलेगा. इसी से आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, लॉस रिटर्न. अब ये लॉस रिटर्न क्या होता है, राइट? आपको मैंने सेट ऑफ में भी बताया था, तीन तरीके के लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न भरना है और रिटर्न टाइम पे भी भरना है. याद आ रहा है क्या? PGBP लॉस, कैपिटल गेन लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस. इन लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न टाइम पे भरना है, लॉस रिटर्न टाइम पे भरना है, तो ही ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं. हालांकि दो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं भले ही रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो भी, HPN अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन. ये सेक्शन आप मेरे साथ सेट ऑफ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यस, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न. ऑन स्पीड अप, स्पीड कम ऑन, जल्दी दोस्त, जल्दी. 139(3) लॉस रिटर्न. बोलो, बोल रहे लॉस रिटर्न क्या आप जानते? लॉस रिटर्न कितने लॉस कैरी फॉरवर्ड करें? तीन. कितने? तीन. कौन से लॉस? कौन से? अरे कंसेप्ट पे फोकस करो ना. अरे यार कंसेप्ट पे भी फोकस नहीं कर रहे. कौन से लॉस? जल्दी बोलो. देखो तीन लॉस ऐसे रहते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे. HP. अरे बोलो रे. PGBP, कैपिटल, सैलरी. हाउली हो गई क्या तू?
कैसे हौले जैसे बातें कर रही। चलो लिखो, चलो लिखो जल्दी। पॉइंट नंबर वन, इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड थ्री लॉसेस, पॉइंट नंबर थ्री ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, असेसी मस्ट फाइल लॉस रिटर्न, यस लॉस रिटर्न, पॉइंट नंबर 2, सच रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट अंडर 139(1), सच रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट अंडर 139(1). However, two loss. However, two loss can be carried forward even if the return is not filed on time. Point number A, unabsorbed depreciation. Point number B, HP loss. ठीक है, अब देखिए, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, डोंट यू थिंक यही तो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो हो पाएगा नहीं। यस, अब आते हैं रिवाइज रिटर्न के ऊपर। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, सेक्शन 139(4), अच्छा बाजू बाजू में बनाओ, 139(4), 139(5), बाजू बाजू में बनाओ पार्ट्स में। अब 139(4) क्या है सर? बिलेटेड रिटर्न, जैसा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है, बस वैसे ही बिलेटेड रिटर्न भी होता है। सेक्शन 139(4) बिलेटेड, ठीक है। तो ये जो बिलेटेड रिटर्न है, अगर मान लीजिए आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाए, आप बी लेटर रिटर्न भी सबमिट कर सकते हैं। कब तक सबमिट कर सकते हैं? 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये वही प्रोविजन है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। आपको नहीं लगता रिवाइज रिटर्न का टाइम भी सेम ही है? यस, तो प्लीज राइट डाउन, इफ असेसी फेल टू सबमिट द रिटर्न ऑन टाइम,
ही कैन फाइल अ बिलेटेड रिटर्न, ही कैन फाइल अ बिलेटेड रिटर्न, पॉइंट नंबर ए, 3 months before the end of relevant assessment year. Or before completion of assessment. Whichever is earlier. Yes or no? 3 months before. अब देखिए, अगर मैं previous year 23-24 की बात करूँ, ROI file करने की date क्या हो जाएगी? 31-7-2024. बिलेटेड रिटर्न सबमिट करने की डेट क्या हो जाएगी? 31-12-2024. गेटिंग द पॉइंट? यस. अरे भाई, ये जुलाई में जा रहा है तो ये दिसंबर में जाएगा ना, ऐसा क्या कंफ्यूज हो रहा है? 23 थोड़ी ना आएगा वो. इज दैट डन? बिलेटेड रिटर्न सबमिट करने के बाद 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है, असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25. तो 31 मार्च 2025 से 3 महीना पहले. समझ में आया? चलो, रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5). वेयर असेसी हैज फाइंड एरर और ओमिशन इन द रिटर्न फाइल्ड, वेयर द असेसी हैज, 139(5) में लिखना है, वेयर द असेसी हैज फाइंड एरर और ओमिशन इन द रिटर्न फाइल, ही कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न, ही कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न बोलो बेटे, सेम टाइम 3 months बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, whichever is earlier. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या रिवाइज रिटर्न के बाद फिर से रिवाइज रिटर्न भरा जा सकता है क्या? यस, विदिन द टाइम आप कितने भी बार रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं. अब सोचिए, अगर असेसी ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो रिवाइज होने का चांस खत्म हो गया. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फाइलिंग रिटर्न. समझ में आई बात? ये वही पॉइंट था. उसके बाद में डिपार्टमेंट एक्शन लेगी 142 के अंदर में या प्रोसिक्यूशन लेगी. ये दोनों पॉइंट आपको कहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं? फाइनल्स. इज इट डन? नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव रिटर्न. यहीं पढ़ना है, खत्म करना है, लिखना नहीं है. अभी डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? आप तो जानते ही, डिफेक्टिव क्या होता है? जो कंप्लीट नहीं है. ये सुनो, जो कंप्लीट नहीं है हम उसे डिफेक्टिव कहते हैं. तो कई बार ऐसा होता है, रिटर्न सबमिट होता है ना, तो उसमें कंप्लीट डिटेल्स नहीं दिए होते हैं, कुछ कॉलम फिल नहीं किए होते. ये पहले होता था, आज नहीं होता. पूछो कैसे? आज सॉफ्टवेयर से भरे जाते हैं, एक हाथ कॉलम भी आपने नहीं फिल किया वो तुरंत पॉपअप दे देता है. तो आज ये बहुत कम हो चुके हैं, बट फिर भी लॉ तो लॉ है. लॉ कहता है कि अगर आपने कोई भी रिटर्न सबमिट किया जो डिफेक्टिव है, एओ आपको ये डिफेक्ट कम्युनिकेट करेगा और 15 दिन का चांस देगा इस डिफेक्ट को सुधारने के लिए. 15 दिन में सुधार दिया तो रिटर्न वैलिड, अदरवाइज रिटर्न इनवैलिड. ठीक है? तो ROI इज कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव अनलेस कॉलम एंड एक्सचर प्रूफ ऑडिट इज सबमिटेड. रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम. इफ रिटर्न इज रेक्टिफाइड वैलिड रिटर्न, इफ रिटर्न इज नॉट रेक्टिफाइड इनवैलिड रिटर्न. खत्म काम, नॉट सो इंपॉर्टेंट. एक मिनट देख लीजिए, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म,
फाइव खत्म, सिक्स पे है हम। इज इट डन? कहाँ है बेटा? सिक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 140 पे। अगेन नोट्स में देखना है, लिखना नहीं है। सेक्शन 140, हु शैल वेरीफाई द रिटर्न। अब ये क्यों सेक्शन लाया गया था, उसके पीछे का रीजन समझो, और आज ये टोटली इररिलेवेंट हो गया ये भी समझना। पहले क्या होता था, रिटर्न सबमिट करते थे पर इस पर साइन करने की जरूरत नहीं होती थी, एक जमाना था। तो लोग क्या करते थे, बाद में अगर उस रिटर्न में कुछ गलती हुई और एयर पेनल्टी लगाने जाता था, असेसी मुकर जाता था कि मेरा तो रिटर्न ही नहीं है साहब, अरे आप ही ने तो भरा है, कहाँ है मेरा साइन? भाई मैं किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करूँगा मतलब मेरा उस पर सिग्नेचर होना चाहिए ना, मेरा नहीं है सर ये। फिर उस पर सिग्नेचर वाला कंसेप्ट लेकर के आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब तो सिग्नेचर भी खत्म हो गए, लास्ट टाइम आपने कब किसी बैंक के चेक पे साइन किया था खुद ही सोच के देखो, बट स्टिल आपने दुनिया भर के विड्रॉल किए हैं इन द फॉर्म ऑफ UPI, इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड, इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, चेक भरे हुए तो आपको जमाना हो गया। अच्छा, बहुत से लोगों के पास तो चेकबुक है पर उनको मालूम ही नहीं किधर है। बहुत के लोगों के साथ तो ऐसा भी है कि चेक पे साइन क्या है आज बोल दे तो वो याद नहीं है, बराबर है कि नहीं? सोचो ना, टेंथ के फॉर्म पे तुम्हारा सिग्नेचर डिफरेंट था, ट्वेल्थ पे डिफरेंट था, फिर CMA आया तो डिफरेंट था, था कि नहीं था? यस और नो? सिर्फ फोटो सेम चल रही है, दसवीं के जो खिंचाई थी आज तक। फोटो इज अ कॉन्स्टेंट थिंग यार, बात समझना, फोटो इज अ कॉन्स्टेंट थिंग। क्या है, उसी टाइम पे यू नो 50 रुपए में 60 फोटो आई थी, वो खिंचा ली थी और वो आज तक चलाए जा रहे, आधार कार्ड के लिए भी वही दी थी, है ना? सिर्फ साइन ही एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल चेंज होती जा रही है, मूड के हिसाब से। आ कहीं पे भी बीच में जलेबी, ए जलेबी बना दो, खत्म, अंडरस्टैंड? तो क्या होता है सर, अब रिटर्न साइन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप OTP बेस्ड ऑथेंटिकेट करते हैं, वैसे ही आज जैसे आप ऑफिस में जाएंगे और रिटर्न सबमिट करेंगे ना आर्टिकलशिप में, राइट, रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको आधार बेस्ड OTP आएगा, क्योंकि आप रिटर्न के साथ आधार सबमिट करेंगे तो आपको आधार बेस्ड OTP आता है। ये OTP आप जैसे ही बोल देते हो वैसे आपका रिटर्न ऑथेंटिकेट हो जाता है, मतलब आपने अपना रिटर्न वेरीफाई कर दिया, इसमें सारी जो डिटेल्स थी आपने सुन ली, समझ ली, परख ली, और अब जो दे रहे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप अग्री कर रहे हैं। अब क्या होता था, ये तब का सेक्शन है जब रिटर्न को साइन करके देना होता था और फिर पूछा जाता था हु विल वेरीफाई द रिटर्न। आज तो बड़ा सिंपल है, जिसके पास मोबाइल नंबर है और इसके अंदर OTP आ रहा, OTP दे दिया मतलब ऑथेंटिकेट, रियली तो कोई चेक ही नहीं कर रहा इसके अंदर में क्या है क्या नहीं है, बात समझना? तो आज वेरीफाई करने का जो सिस्टम है ये बहुत बदल गया है। पहले वेरीफिकेशन जो होता था उससे रिलेटेड कौन वेरीफाई करेगा, इससे अबाउट सेक्शन है, अभी पूछते नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन का मोड ही बदल गया, पर सेक्शन आज भी किताबों में पढ़ा हुआ है। अब जैसे इंडिविजुअल है, कौन वेरीफाई करेगा, अगर वो इंडिया में प्रेजेंट है तो खुद, अगर वो इंडिया में प्रेजेंट है तो खुद, अगर वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो उसके भी हाथ पे कोई भी ऑथराइज पर्सन साइन कर देता था। आज तो DSC लगाते, काम खत्म। यस, तीसरा, अगर कोई मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो उसके भी हाथ पे कॉम्पिटेंट पर्सन साइन कर देगा, और अदर केस में जो भी पर्सन ड्यूली ऑथराइज करा हुआ है वो सबमिट कर देगा। यस, HUF के केस में कर्ता करेगा, कर्ता नहीं है तो कोई भी अदर एडल्ट मेंबर कर देगा। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर साइन नहीं कर सकता तो कोई भी अदर डायरेक्टर साइन कर सकता है, कोई भी क्या कर सकता है, अदर डायरेक्टर साइन कर सकता है। कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर साइन करेगा, यस, और गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट ले लिया है कंपनी का तो जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट किया है वो साइन करेगा रिटर्न को। अच्छा जी सर, LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा, नहीं तो कोई भी अदर पार्टनर साइन कर सकता है। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी के केस में CEO ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यस, और इसके अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर में है तो जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है वो इस रिटर्न को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। रिटर्न वेरीफाई करने का मतलब क्या है, रिटर्न को साइन करना, ये लिख के कि आई विजय सारडा हैविंग पैन नंबर डू हियर बाय अग्रीज टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, हम बोलते हैं वेरीफाई, और उसके नीचे उसका सिग्नेचर होता है। आज ये DSC से होता है, आज ये आधार से होता है, आज ये पैन बेस्ड होता है, ऑनलाइन बैंकिंग बेस्ड होता है, तो आप चारों में से किधर से भी कर सकते हो, सेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओ ये 234H हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ गए, CES 1000 रुपये याद आ रहे क्या? चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेक्शन 140A, सेक्शन 140A। एक ये बचता है और एक अपडेटेड रिटर्न बचता है। ला 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 ला, सर आपको मजा नहीं, टेंशन आना चाहिए, आपको मजा नहीं आपको टेंशन आना चाहिए। ये तो हो गया, ये तो हो गया,
अभी मन में पता है विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों के निर्माण आपके समक्ष उभर रहे होंगे। अब ये तो पढ़ तो लिया, पर पढ़ना कैसे है? पहले क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है ना सर? बेसिक से चालू करें, जिसको तुम 8 से 10 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो और उसके आगे बढ़ते ही नहीं। मैं बताऊँ मैक्सिमम डीटी कितना पढ़ते हो? 5 हेड। 5 हेड के बाद तुम इसको बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते। और जीएसटी में तो सीधा इनपुट, सीधा जीएसटी में सीधा तुम इनपुट पे जाते, उसके बाद में एग्जम्पशन लिस्ट पे जाते, उसके बाद में रिटर्न फाइलिंग पे जाते, इनवॉइस पे जाते, खत्म हो गया जीएसटी, है ना? बराबर है कि नहीं? कोई सप्लाई ये वो कोई लेन देन नहीं, संबंध ही नहीं, बराबर है ना? अब पढ़ के ही 70 का जाओगे, उसमें बोलोगे मेरे को 40 चाहिए, कहाँ से आएगा ब्रो, है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला, आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करते हो, इसके बेसिस पे टोटल टैक्स निकालते हो। इस टैक्स में से आपने सोचो कितने अलग अलग फॉर्म में पे किया हुआ है। टीडीएस टीसीएस के मामले में पे किया हुआ है, एडवांस टैक्स पे किया हुआ होगा, मैट एएमटी क्रेडिट कुछ तुम्हारा दिख रहा होगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट होगा कुछ तुम्हारा। ये चारों चीज़ें माइनस कर देने का, माइनस करने के बाद जो फाइनल टैक्स आया उसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जिसको रिटर्न भरने से पहले आपको क्या करना है, सबमिट। यस सुनो, प्लीज राइट डाउन। असेसी शैल पे टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस आफ्टर डिडक्टिंग, असेसी शैल पे टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस आफ्टर डिडक्टिंग। बोलूंगा बताओ, आफ्टर डिडक्टिंग, सुनो ना, रट मत, रिलीफ, एडवांस टैक्स, टीडीएस टीसीएस, मैट एएमटी, रट मत, समझ में आया? रट मत। पहला आर इज इक्वल टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 90 91, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ए एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। टी टीडीएस टीसीएस क्रेडिट, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट, एमएटी इज इक्वल्स टू मैट एएमटी क्रेडिट, इज दैट डन? चलो जी, लेका यश, ये चारों भी आप क्या करेंगे, माइनस। जो बचेगा उसको आप क्या कहेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यानी टेक्निकली सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आपने टैक्स दिया, इंटरेस्ट दिया, फीस दिया, बराबर है? अब आपने तीनों दिया, डिपार्टमेंट पहले क्या एडजस्ट करेगा, फीस। आपने तीनों दिया, पहले टैक्स, फिर इंटरेस्ट, फिर फीस, डिपार्टमेंट पहले फीस एडजस्ट करता है, फिर इंटरेस्ट एडजस्ट करता है और बैलेंस टैक्स में डालता है। यानी आपने 10,000 रुपये दिए, डिपार्टमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से 15 आ रहे हैं, तो पहले वो 15 में से काय में एडजस्ट करेंगे फीस, फिर वो इंटरेस्ट में एडजस्ट करेंगे और फिर इनकम टैक्स पेबल दिखाएंगे ताकि उस पर फिर से इंटरेस्ट आ सके।
समझ में ही बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेयर असेसीज पेड टैक्स इज शॉर्ट पेड, वेयर असेसीज पेड टैक्स इज शॉर्ट पेड, then department will first adjust it against fees, department will first adjust it against the fees, then against then against interest, and then against and then against, bolo beta, tax payable, last point likh dijiye, if assessee failed to pay tax or interest, if assessee failed to pay tax or interest, assessee will be treated as assessee in default. He will be treated as assessee in default. Zadan, wah bhai wah, updated return, the last section in लिखो, सेक्शन 139(8)A, सेक्शन 139(8)A, अपडेटेड रिटर्न, बराबर है। अब ये अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट लाया क्यों गया, पहले ये समझना। अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट लाया गया दो रीजन की वजह से। पहला क्या होता था, आपने रिटर्न में अगर कुछ गड़बड़ शो कर दी, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा असेसमेंट करता था, इंटरेस्ट लगाता था, पेनल्टी लगाता था। अब असेसी बोलता था, सर मेरे को अपनी ये गलती एक डेढ़ साल में समझ में आ गई थी कि मैंने पिछले साल के रिटर्न में गड़बड़ कर दी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, रिवाइज रिटर्न का टाइम भी खत्म हो गया था। आप अगर मुझे ये ऑप्शन देते तो मैं सुधार लेता, इट वॉज नॉट एन इंटेंशनल मिस्टेक। असे एओ कहता है, ऐसा कैसे इंटेंशनल मिस्टेक नहीं है, गलती है। वो कहता है, सर मेरे को मिस्टेक समझ में आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि मैं सुधार सकूं। रिवाइज रिटर्न का टाइम आप मेरे को कितना देते हो, बात समझो। मैंने रिटर्न भरा जुलाई में, आप मेरे को रिवाइज रिटर्न का टाइम दे रहे हो दिसंबर में, क्या समझ में आता है सर इतने टाइम में, क्या समझ में आता है सर इतने टाइम में, कुछ नहीं समझ में आता। गलती का पता इतने जल्दी थोड़ी नहीं पड़ता है। कितना टाइम दिया आपने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने आपने सर 5 महीने दिए, जब तक मेरे को समझ में आएगा मैंने गलती क्या की है। ये इनसफिशिएंट टाइम है सर, ये इनसफिशिएंट टाइम है उस चीज के लिए। तो आप मेरे को अगर कोई ऑप्शन ओपन करके दे देते, शायद मैं 1 साल बाद अपनी गलती सुधार लेता, 2 साल के अंदर मैं अपनी गलती सुधार लेता। आपको पेनल्टी लगाना भी है तो 2 साल बाद लगाओ ना सर, 2 साल बाद लगाओ पेनल्टी लगाना भी है तो, पर तब तक ये मौका तो दो। ऐसा नो गलतियां समझने के लिए क्या होता है, गलती बच्चा जो होता है वो गलती फाउंडेशन में करता है, फाइनल में उसको समझ में आता है। समझ में आया,
वो बेचारा वो वहीं पे पढ़ लेता प्यार और अदर चीज़ों के चक्कर में, फाइनल में उसको समझ में आता और फिर एहसास होता, थोड़े दिन रुकता तो राइट। तो अंडरस्टैंड करिए साहब, अंडरस्टैंड करिए साहब कि इतने जल्दी गलती नहीं समझ में आती, गलती थोड़ा रुक के समझ में आती है। नाउ द सिचुएशन इज, तब जाके अपडेटेड रिटर्न का एक कंसेप्ट लाया ताकि प्रोलॉन्ग लिटिगेशन और कम हो जाए। अब अपडेटेड रिटर्न कौन सबमिट कर सकता है? सर कोई भी सबमिट कर सकता है एक्सेप्ट द वन विच इज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। इनको छोड़ के अपडेटेड रिटर्न कोई भी सबमिट कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न सबमिट जो किया जाता है ये 24 मंथ्स के अंदर में किया जाता है, लेकिन अपडेटेड रिटर्न फ्री में सबमिट नहीं होता, इसके साथ साथ आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है। यस, इसके साथ साथ आपको क्या पे करनी पड़ती है? एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है। यस, तो लिखिए पॉइंट नंबर वन, एनी पर्सन मे फाइल अपडेटेड रिटर्न, एनी पर्सन मे फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, within 24 months from the end of relevant assessment year, next point, updated return can be submitted, updated return can be submitted whether or not assessee has filed return, whether or not assessee has filed return for that relevant years, बराबर है। मतलब उस साल के लिए आपने रिटर्न फाइल नहीं भी किया था तो भी अपडेटेड रिटर्न सबमिट हो सकता है, उस साल के लिए आपने रिटर्न फाइल किया, नॉर्मल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, तो भी अपडेटेड रिटर्न सबमिट हो सकता है। क्लियर है? अच्छा जी सर, सर याद रखिए फॉलोइंग रिटर्न अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता, फॉलोइंग केस में अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता। क्वेश्चन इस पे आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो इस पे आएगा, अपडेटेड रिटर्न कब सबमिट नहीं हो सकता, चार केसेस बताओ। तो ये लिस्ट सबसे बड़ी है, क्वेश्चन इस पे आएगा, ठीक है? लिखो, व्हेन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड, व्हेन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड, पॉइंट नंबर वन, इफ अपडेटेड रिटर्न is a return of loss, if updated return is a return of loss, understand, जो updated return होना चाहिए ये return of income होना चाहिए, return of loss नहीं। अब इसके कुछ meaning समझिए, इधर देखिए, loss return था, आपने updated loss return भर दिया, updated return submit हो सकता है? income return था, आपने again income return भरा, चलेगा? इनकम रिटर्न था, आपने लॉस रिटर्न भरा, नहीं चलेगा। लॉस रिटर्न था, आपने अपडेटेड रिटर्न इनकम भरा, चलेगा? समझ में आई बात? तो ये रिटर्न लॉस रिटर्न नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, अपडेटेड रिटर्न शुड नॉट हैव अ इफेक्ट अपडेटेड रिटर्न शुड नॉट हैव अ इफेक्ट of reducing tax liability, of reducing tax liability, बराबर है? याद रखें ये रिटर्न आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने वाला होगा तो अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता। थर्ड, इफ सर्च और रिक्विजिशन if search or requisition
इज इनिशिएटेड इफ सर्च और रिक्विजिशन इज इनिशिएटेड बराबर है। मतलब आपके घर पे अगर रेड पड़ी हो या आपके प्रमाइसेस पे सर्च हो रही हो, अपडेटेड रिटर्न उस साल के लिए आप सबमिट कर सकते हैं नहीं। थर्ड, फोर्थ, इफ अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी सबमिटेड, नेक्स्ट, इफ एनी असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज गोइंग ऑन, इफ एनी असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज गोइंग ऑन, बराबर है। उस साल के लिए केस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ले रखा है फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट नहीं हो सकता। यस, नेक्स्ट, इफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड अंडर DTAA, इफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड अंडर DTAA, बराबर है। अगर किसी फॉरेन कंट्री से इस आदमी के टैक्स इवेजन की इंफॉर्मेशन मिली हुई है तो अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सच पर्सन इज लाइबल अंडर पॉइंट नंबर ए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पॉइंट नंबर टू, ब्लैक मनी एक्ट पॉइंट नंबर टू, ब्लैक मनी एक्ट पॉइंट नंबर थ्री, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट पॉइंट नंबर फोर, स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट इज दैट डन। तो अगर आप इन प्यारे एक्ट के अंदर में कहीं फंसे हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते नहीं। यस, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, सेक्शन 140B, पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स, सेक्शन 140B, पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स। बराबर है, अब ध्यान से सुनिए, पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स क्या होता है। आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल इनकम टैक्स। आप जो इनकम टैक्स पे करेंगे, मतलब आपकी इनकम पहले 5 लाख आपने शो करी थी, अब अपडेट में आपने 15 लाख शो करी, तो 15 लाख पे आप क्या निकालोगे, सबसे पहले टैक्स। इस टैक्स के साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा, एडिशनल फीस या एडिशनल टैक्स, आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। इस टैक्स का एक परसेंटेज, आपको एडिशनल टैक्स के नाम से देना होगा। सर एडिशनल टैक्स कितना लगता है, अगर अपडेटेड रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर में सबमिट हुआ तो 25% ऑफ द टैक्स, और अगर बियॉन्ड 12 मंथ्स अप टू 24 मंथ्स हुआ तो 50% ऑफ द टैक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट, उसी के अंदर एरो करिए, लिखिए एडिशनल टैक्स शैल बी additional tax shall be, point number one, if you are submitted within 12 months, if you are submitted within 12 months
25% ऑफ, एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू आर सबमिटेड आफ्टर 12 मंथ्स बट बिफोर 24 मंथ्स, फिफ्टी परसेंट ऑफ द एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी। डन है सर, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका टैक्स पेबल आया 1,50,000 और आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर रहे हैं 8 मंथ्स ओनली, ये कितना हो जाएगा 37,500, इसका 25%। समझ में आई बात? अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं ना, ये टैक्स इज इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज प्लस HEC प्लस इंटरेस्ट। समझ में आई बात? नीचे लिखिए, टैक्स मींस टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस HEC प्लस इंटरेस्ट। माइनस ऐसा हो सकता है ना, उस साल का अपडेटेड रिटर्न है मतलब उस साल भी कुछ टैक्स पे किया हो, माइनस पॉइंट नंबर ए, टैक्स अर्लियर पेड पॉइंट नंबर टू, एडवांस टैक्स पेड, पॉइंट नंबर थ्री, TDS TCS क्रेडिट इफ एनी, पॉइंट नंबर फोर, एनी अदर क्रेडिट स्पेसिफाइड। Is that done? खत्म, टाटा बाय बाय। 3 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विथ रीजन वेदर रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द फॉलोइंग पर्सन। पहला, एक्स इज एन इंडिविजुअल, वाह भाई, 80 ईयर्स ऑफ एज, ग्रॉस टोटल इनकम इज 6.5 लाख और वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए 1.6 लाख के लिए, बताइए इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न? यस, बिकॉज इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर ए, यस, सिंस इनकम exceeds basic exemption limit, income exceeds basic exemption limit before deduction, but before deduction he must file
रिटर्न ऑफ इनकम, मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। दूसरा बताइए, पार्टनरशिप फर्म लॉस है, रिटर्न भरना है क्या? पॉइंट नंबर टू, यस रिटर्न मस्ट बी फाइल। यस रिटर्न मस्ट बी फाइल इन केस ऑफ फर्म एंड कंपनी इवन इफ इट इज इन लॉस। Even if it is in loss. थर्ड बताइए, registered association क्या इन्हें रिटर्न सबमिट करना है? Yes. इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, प्लीज राइट डाउन। यस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड, यस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड। सिंस रजिस्टर्ड एसोसिएशन इनकम, रजिस्टर्ड एसोसिएशन इनकम एक्सीड्स या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, नेक्स्ट बताइए, एम्प्लॉई है सैलरी 4.9 लाख और एफडी से इनकम आ रहा है 10,000, देना है नहीं देना है, सबमिट करना है नहीं करना है? करना है, ठीक है। यस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड, सिंस इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बहुत बढ़िया मालिक, प्रॉब्लम नंबर टू, क्या कहना चाहेंगे आप, हाँ या ना? पक्की बात, अंडरस्टैंड। कांति इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग करिंग रोस्टिंग रोस्टिंग कॉफी, टोटल इनकम कितनी है बेटा? 6 लाख 60 40, ये आ रहा है 2,40,000, नो रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न बिकॉज द इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। Everybody, लिखिए, no, he is not required to file return. No, he is not required to file return. मती है क्या वो SMT? He is not required to file return. If assessee is engaged in growing, curing, roasting coffee. If assessee is engaged in growing, curing, roasting coffee, 60% of its income, 60% of its income will be called as agriculture income,
एंड 40% विल बी कॉल्ड एज बिजनेस इनकम. देयरफॉर बिजनेस इनकम वुड बी 2,40,000. Business income would be 2,40,000. And since the taxable income is not exceeding basic exemption limit, there is no requirement to file return. है बेटा चलिए लास्ट क्वेश्चन आराम से देख के सॉल्व कर लीजिएगा. पैन इन केसेस में मैंडेटरी है या नहीं है ये पूछा है. इज दैट डन? तो बच्चों सिलेबस इज ओवर. ये फास्ट ट्रैक 2 मिनट कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा है ना, थोड़ा शांति में फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे अप्रोच होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए. बट सबसे पहली बात तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. पेशेंस लगता है मेरे जैसे पर्सन को सुनने के लिए, ठीक है. आप लोगों ने इस बार बहुत कोऑपरेट किया और पूरे भारत ने, नॉट जस्ट फेस टू फेस वाले जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, पूरे भारत ने बहुत कोऑपरेट किया. ये फास्ट ट्रैक लेना मेरे लिए अब तक के जितने बैचेस लिए उसमें से सबसे डिफिकल्ट था. नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वो तो इधर है यस, पर यहाँ होने के बावजूद दुनिया भर का मेंटल स्ट्रेस था. मैं आपको बताता हूँ सर, जिस टाइम फास्ट ट्रैक शुरू किया उस टाइम पर एवरीथिंग वॉज राइट, थिंग्स वॉज ओके, ठीक है. इसीलिए आप देखेंगे शुरुआत के लेक्चर बहुत मस्त थे. वो धीरे धीरे ना लाइफ के अंदर में बहुत सारे इशू आए, मैं समझा नहीं सकता कितने. सबसे पहला इशू आकर के खड़ा हो गया कि यू नो एक जन की तबीयत ख़राब, जिसमें सबसे पहले पापा की तबीयत ख़राब. मेरे डैड को अर्थराइटिस है, फाइब्रोसिस है, के कारण यू नो वो ऑक्सीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है. बट फिर भी मेरे डैड ही मेरे सबसे पहले व्यूअर है. ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर में उनका एक ना एक कमेंट ज़रूर होता है. तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, नहीं तो बहुत गाली पड़ता है ना. तो अभी तो मैं बहुत कायदे में आ गया हूँ. तो वो हुआ तो बिल्कुल तुरंत मम्मी को H1N1, पापा हॉस्पिटल में, मम्मी हॉस्पिटल में. स्टिल मैंने होल्ड किया ग्राउंड, मैंने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, आई एम ब्लेस्ड विथ अदर टू ब्रदर्स हु आर माई स्ट्रेंथ. तो वो दोनों चीज़ें वहाँ पे हैंडल कर रहे थे. अब इसी बीच जलगांव में मेरे जो फुफाजी है जिनके यहाँ मैं CA पढ़ा हूँ, या आप ऐसा कह लीजिए जिनने मुझे CA पढ़ाया है, राइट. अब उनको बेबीज़ नहीं है, तो जो कुछ था मैं ही था. वन फाइन डे इवनिंग के अंदर में मैं फास्ट ट्रैक लेके घर पहुँचा, और घर पहुँचते ही मेरे को कॉल आता है कि विजय जल्दी से जलगांव में कुछ तो अरेंज कर, उनको कुछ तो हुआ है. ही वॉज ऑलरेडी अ पेशेंट, ऐसा नहीं था कि नहीं था, ऑलरेडी अ पेशेंट. तो मैंने तुरंत दोस्तों को कॉल लगाया, बिकॉज मैं जलगांव से पढ़ा था तो बहुत सारे दोस्त थे. मैंने बोला भाई तुरंत पहुंच जहाँ पे जो कंडीशन में, वहाँ पे पता चला कि यार उनको कंप्लीट पैरालिसिस का अटैक आया विद ब्रेन हैमरेज. तो ऐसा था कि वो तो अच्छा हुआ मेरे दोस्त वहाँ पहुँच गए, वरना उसी दिन बहुत बड़ा डिफिकल्टी सिचुएशन हो जाती है.
वो पहुंचे, अब मेरे को पता चला सिंस वो मेरे लिए एज गुड एज फादर का रोल प्ले करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ की, बहुत अच्छी बातें और बुरी बातें भी। एक झगड़ा भी था जिसने मेरे को बहुत सक्सेसफुल बनने में मदद भी करी, और वो था होंडा सिटी का झगड़ा। वहीं से था झगड़ा, ही वहीं से था, पर उस चीज़ को मदद, मतलब अब मैं हमेशा उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव नोट पे लेकर के जाता हूँ कि ठीक है अपने साथ किसी ने बुरा भी किया तो बहुत अच्छा हुआ, अपन उसमें से उभर के बाहर आए। अब सर ये मैं वही व्यक्ति था जो घर से निकाला गया था एक टाइम पे, बट मैं वही व्यक्ति था जो पहुंचा वापस अकेला खुद। कोई नहीं आया सर, कोई नहीं, मेरे अलावा उधर कोई नहीं पहुंचा, ना मेरे फैमिली का ना उनके फैमिली का कोई। मैं गाड़ी उठाया और मैं सन्न से स्पीड पकड़ के सिर्फ एक ब्रेक लेके 9 बजे, मतलब मैं करीब 6 बजे यहाँ से निकलाऊंगा और रात में 3 बजे मैं जलगांव पहुँच गया सिर्फ एक ब्रेक के साथ, वो भी चाय का नॉन स्टॉप। और वहाँ जा कर के तब तक के अपने सारे दोस्त खड़े थे, मतलब गॉड ब्लेस सारे दोस्त खड़े थे, और वहाँ जाके देखा तो साला सिचुएशन पूरा का पूरा डिफरेंट है, कोई और आके खड़ा नहीं हुआ और अपन जा करके खड़े हैं। वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि है ना मनी से ज़्यादा इमोशनल गेम चल रहा, उधर मम्मी पापा नागपुर के अंदर में, इधर जलगांव में ही है, और इधर मैं अपना पूरा फैमिली छोड़ करके बैठा हूँ, समझ में आ रही है बात। वहाँ जा करके देखता हूँ तो सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है, बुआ जी को कुछ ही समझ में नहीं आ रहा करना क्या लाइफ के अंदर में, ऐसी बात है। अचानक हस्बैंड को इस तरीके से हो गया, वो पूरा स्टन हो गए, अब मैं करूँ क्या, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैं वहाँ पे पहुँच गया कम हो, अब हर बार भागना पड़ रहा, और प्रॉब्लम ये है कि हर 15 मिनट में कुछ सिचुएशन चेंज हो रही, बहुत बड़ा डिफिकल्ट का टाइम। और प्रॉब्लम ये है कि अब ये जिम्मेदारी जो मेरे पे कभी थी ही नहीं, वो अचानक से पूरी फैमिली ने मेरे ऊपर डाल दी, या ऐसा समझो मैंने खुद होके वो ले ली, क्योंकि यार रिलेटिव है कितना भी करो, ब्लड लाइन है हम, बुआ है मेरी, और जिस टाइम मेरे को जरूरत थी, स्वभाव एक अलग विषय है, एक बात समझिए, संस्कार अलग विषय है, स्वभाव जो था ये उनका था, पर कुछ भी करो कैसे भी करो, आज रखा तो उस आदमी ने ही था मेरे को, बनाया तो उस आदमी ने था, तो उसका उपकार मैं भूल सकता हूँ क्या, मेरे संस्कार ये परमिट नहीं करते। तब मैं बिल्कुल वहाँ रहा उस टाइम पे, आप सब ने एडजस्ट किया सिर्फ एक मैसेज के ऊपर कि बच्चों कुछ दिन के लिए सिर्फ एडजस्ट कर लो, और मैं आपको वादा किया था कि मैं आपका एक्स्ट्रा लेके करवाऊंगा, पर करवाऊंगा जरूर। तो आप देख ही रहे हो हम लोग सब एक्स्ट्रा टाइम ही चल रहे हैं रोज, यस, बट अपन ने लगभग लगभग 28 फरवरी तक का वादा किया था, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया है वो, राइट, पर वो चीज़ कंप्लीट हो गई। मैंने ना बहुत मेहनत करी यार कि मैं किसी तरीके से उनको बचा दूँ, और मैंने ना पैसा सोचा ना समय सोचा, कुछ नहीं सोचा, बिलीव मी भयानक लॉस हुआ होगा मेरा, क्योंकि इलेक्शन के पहले का टाइम है, हम सिर्फ टीच नहीं करते ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, भयानक नुकसान हुआ है बिलीव मी, मतलब वो नुकसान तो ये मान के चलो तुम्हारे फास्ट ट्रैक पेड लेने से भी बड़ा नुकसान है, वो इतना बड़ा नुकसान है मेरे लिए। पर ना लाइफ में कभी कभी ना पैसे से ज़्यादा ना आपके मॉरल्स काम आते हैं, मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा, मॉरल्स की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को एक ही चीज़ करने पे मजबूर किया, और इतना भयानक सिचुएशन, इधर से कॉल आ रहे क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स पहले से लिए हुए थे, इधर से हॉस्पिटल के कॉल आ रहे, इधर से ये कॉल आ रहे, इधर से फाइनेंशियल इशू चल रहा, उधर से वो इशू चल रहा, मेरे दोनों भाई जॉब पे हैं तो वो टाइम कमिट नहीं कर सकते, और क्योंकि मैं प्रोफेशन में हूँ तो मैं टाइम कमिट कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, अब उधर देखूँ उधर देखूँ उधर भागूँ उधर भागूँ या जाऊँ किधर, ऐसा सिचुएशन हो गया हर तरफ से, मतलब एकदम आदमी ना छोटी छोटी प्रॉब्लम, यार मूड नहीं हो रहा, यार मेरे घर पे फाइनेंशियल इशू है, यार ये है, यार वो है, यार ये है वो छोड़ के सब तिल लगाने गया भाई। मतलब कल भी आप सबके सामने बैच में कौन आया था, स्वास्तिक आया था, और वो 10 मिनट पहले निकल गया, मैं उससे फिर भी नहीं मिल पाया, वो जा करके सो गया, मैं नहीं मिल पाया। तो ये सिचुएशन चालू है, आप सबको ये सब क्यों बता रहा हूँ, बहुत मेहनत की, फिर यू नो जलगांव में वो ट्रीटमेंट वैसा नहीं हो रहा था जैसा हमारे को चाहिए था, मेरे पूरे फैमिली के विल के अगेंस्ट में मैं उनको लेकर के गया नागपुर। मैंने बोला यार उधर 2 है इधर 1 है और मेरे को दोनों तरफ भागना पड़ रहा, तो मैं इनको भी उठा करके वहीं लेके चलता हूँ ताकि यू नो कुछ हो। मतलब
लगे में और कितनी लग सकती है आप ये सोचो। मैं जलगांव से उठ के उनको एम्बुलेंस में लेकर के गया, कहाँ पे, नागपुर। 400 किलोमीटर एम्बुलेंस बिल्कुल सही चली, एम्बुलेंस चल रही, उसके पीछे हमारी दो गाड़ियाँ चल रही, मैं रास्ता भटक गया, दूसरी तरफ चले गया, बराबर है। समृद्धि एक्सप्रेस उतरते ही एम्बुलेंस बंद और आदमी वेंटिलेटर पे है, और मैं पूरी फैमिली के विल के अगेंस्ट में डामा साइन करके गया था। व्हाट इज डामा? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगर हॉस्पिटल से आप किसी पेशेंट को बाहर लाते हैं तो आपको डामा साइन करना पड़ता है, इसको कुछ भी हो गया मेरी जिम्मेदारी। और पूरे फैमिली के विश के अगेंस्ट में मैं बोला मैं लेके जाएगा, रिस्क तो वैसे ही इतना चल रहा है लाइफ में, एक और सही। मैं सर वहाँ पे एम्बुलेंस बंद, 7 से 8 मिनट के अंदर में मेरे भाई ने वहाँ पे 3 एम्बुलेंस बुलाई, जिसमें से एक का वेंटिलेटर ही नहीं चल रहा, एक में वेंटिलेटर है ही नहीं, और तीसरे में वेंटिलेटर है पर वो बहुत देर तक टिक नहीं सकता। बिलीव मी, पहला एम्बुलेंस, उसके पीछे 3 एम्बुलेंस, उसके पीछे हमारी 2 गाड़ी, और जो भगा रहे सायरन बजा बजा के, ये सीन हुआ है और तुम ये देख नहीं पाओगे कभी। और 15 दिन मेरी बुआ बोले बोले मैं तो हॉस्पिटल में बैठती ही नहीं, मैं हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर ऐसा बैठा हूँ एंड डूइंग नथिंग, और सब जगह से प्रेशर चालू है, खाने के ठिकाने नहीं, रहने के ठिकाने नहीं, कुछ नहीं। बिलीव मी, पूरा 1-1.5 महीना 2 कपड़ों के ऊपर, चप्पल के ऊपर, सिर्फ इतना ही, और 2 घंटे की नहीं, 2.5 घंटे, हर 2 घंटे में डॉक्टर बुला रहा है, ये दवाई लेके आओ, वो लेके आओ, ये इंजेक्शन लेके आओ, वो लेके आओ। फाइनली सब कुछ किया, बट नो, जब थोड़ा सा स्टेबल होगा और मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को यहाँ आना चाहिए, आपके सामने की बात है, तुरंत जाना पड़ा एंड थिंग्स आर डन। आप सबको ये सब बताने का एक स्पेसिफिक रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न ये है, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टी सिर्फ मेरे साथ आती है, आपके साथ भी आती है। डिफ़िकल्टी को देखने का नज़रिया आपका सही होना चाहिए। अब मेरा नज़रिया बड़ा क्लियर था ऐसे सिचुएशन में भी। आप लोग में से कई लोग हमारे घर पे यू नो हेल्थ इशूज़ आ गए इसके लिए, इससे बड़े तो कन्फर्म नहीं होंगे, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे एक आदमी वेंटिलेटर पे, एक आदमी आईसीयू में और एक आदमी हॉस्पिटल में, इससे भयंकर तो बिल्कुल नहीं होगा। और सब ऐसा जिनमें से मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। एक बात अंडरस्टैंड कीजिए, छोटे छोटे बहाने ना अपने आप को देना बंद करो अपने गोल्स के लिए। मेरा गोल उस टाइम पे ये भी था कि सीए फाइनल, सीए इंटर वालों का फास्ट ट्रैक बैच पूरे इंडिया के लिए डिक्लेयर करके रखा है, यहाँ आना है। वहाँ का गोल ये था कि फैमिली को हैंडल करना है, फाइनेंशियल्स पार्ट हैंडल करने हैं और अदर पार्ट्स हैंडल करने हैं। एक्सक्यूज देने से ना सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, दिन कुछ करना है तो करना है। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू मेक क्लियर डिफरेंस, और वही ये कोर्स सिखा। 24th को का डेथ हुआ, ऑन 26th आई वॉज अगेन हियर टेक द फास्ट ट्रैक। यू वोंट बिलीव, मैं 6 से 7 बार नागपुर जाके आया हूँ, फ्लाइट की टिकट लगाई है लिटरली 17,000 वन टाइम, जस्ट टू टेक अ फ्री फास्ट ट्रैक, just to take a free fast track. But it was not just a fast track for me. For me, it was a commitment made to whole of India from my side. The words are given from my side that I'll do it. और मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा, ठीक है ना? अब सिचुएशन जो मेरे हाथ में है नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ मैं ऑलरेडी उतना कर रहा हूँ। आप सभी को एक बात बताता हूँ, 50,000 प्रॉब्लम आएंगी, ये तुम्हारे ऊपर दम होना चाहिए कि तुमने अपने आप के लिए एक ड्रीम देखा है और वो कम्प्लीट होना चाहिए, और उसके लिए जो करना पड़े सब ओके। 50 तरीके के मेंटल प्रेशर आएंगे, 50 तरीके की सिचुएशन आएंगी, सब होगा। मतलब बिलीव मी, 15 से 20 दिन तो इतने गजब के गुजरे, यहाँ पे 15 मिनट बाद क्या होने वाला है मेरे को खुद नहीं मालूम, और कितने पेटी के मैं खुद लॉस में हूँ मेरे को नहीं मालूम। सर 3 बड़े फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगा के रखे थे मैंने, 800 लॉट वाले, 800 लॉट वाले, 800 लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे गेम में फंसा कि ना ड्यूडेट याद रही, ना कुछ याद रही, उसका ठुका अलग। समझ आ रहा है बात? कई बार आपको मनी और बाकी फैक्टर को बाजू रख के ना काम पे फोकस करना होता है। आज देखो, जब तुम्हारा फास्ट ट्रैक कंप्लीट हो गया, आज मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मूव हो गया, फिर फाइनल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस वीक के अंदर में मैं वो मूव हो जाऊँगा, आपका पार्ट खत्म, अब मेरे रेगुलर कमिटमेंट्स और बाकी के टाइम आ जाएंगे। तो एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड आता है,
इस टाइम पे ना सिर्फ अपने आप को सर्वाइव रखना सीखो, सिर्फ सर्वाइव रखना सीखो, ठीक है? जो होगा देखेंगे, जो होगा जितना मैनेज होगा उतना करेंगे, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है ना इसको अपने फेस करना बंद कर दो कि भैया यू नो ये प्रॉब्लम आई है, मेरा हेल्थ नहीं चल रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, घर पे फाइनेंशियल इशू है, मम्मी ने ये बोल दिया, पप्पा ने ये बोल दिया। आप फेल हुए हैं, कोई ना कोई कुछ बोलेगा, ये आपको समझना चाहिए। समझ में आ रही बात? सबको सिर्फ ऊपर जाता हुआ रॉकेट ही अच्छा लगता है, नीचे आता हुआ नहीं। समझ लेना इस बात को, फिर तुम्हारे पप्पा हो, मम्मी हो, भाई हो, कई बार वो गुस्से में कुछ बोलेंगे। जब आपको प्रॉब्लम चल रही हो, अरे सर मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ द रिलेटिव मेरा कैश गाड़ी में पड़ा था, तो दवाई लानी थी, 2000 रुपये की दवाई। बोला 2000 है क्या, देने से मना कर दिया। सीरियसली 2000 किसी के पास नहीं होंगे? मेरे मोबाइल भी बंद था कि मैं चल जीपे कर दूँ, सर नहीं होंगे या जीपे नहीं होगा। चुप रहना, समय आएगा कि 2000 बराबर सही जगह पे वापस ले। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और मल्टीपल टाइम फेल हो सकते हो, कोई बुरा नहीं है फेल होने में। ये आदमी से सुन रहे हो, वो खुद 3 बार फेल हुआ है इस एग्जाम, बराबर है कि नहीं? मैं खुद 3 बार फेल हुआ हूँ, पर फेल होने के बावजूद भी आई हैव लैंड रोवर। क्या इम्पोर्टेंट है? अरे गोल्स तुम्हारे पास में, और खुद के ऊपर एक विश्वास होना कि मैं आज नहीं करूँगा तो कल जरूर करूँगा, मैं करूँगा जरूर, ये विश्वास होना। समझ में आ रही है बात? फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 50,000 प्रॉब्लम आएगी सर। मैं खुद 7 से 8 बार रोया हूँ, मैं इतने सालों में कभी नहीं रोया, मैं खुद 7 से 8 बार रोया हूँ, क्योंकि माँ कसम ऐसा परेशान हो गया था कि मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा जीवन में, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को क्लैरिटी नहीं है, हैंडल किस पॉइंट पे करूँ मैं। सर जस्ट शांत रहें, भगवान का नाम लें और अपने ऊपर बिलीव करें। अच्छा उसी बीच में क्या हो रहा था मालूम है? नए इंटर की बैचेस चालू हो रही, समझ रहे हो? फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया, फाउंडेशन की बैच, इंटर की बैच, सब एक साथ आ रहा, और मैं पूरे इसमें कहीं था ही नहीं। मतलब जब हमारा फुल पीक सीजन, मैं कहीं नहीं था इस बार। मैंने बोला भाई देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। मेरे को फोन आ रहा, भाई कॉम्पिटिटर ये कर रहा, कॉम्पिटिटर वो कर रहा, ये कर रहा वो कर रहा। मैंने बोला तो जो करना है करने दो, दिल लगाने के। आज मैं मेरे घर वालों को देखूं, ये देखते बैठो, ये एक बहुत बड़ा गेम है। आपको स्थिति के बीच में थिन लाइन बनाते आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स इज अ डिफरेंट थिंग, फेसिंग द प्रॉब्लम इज अ डिफरेंट थिंग, मस्ट नो। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मेरी सीए डिग्री के में, जिसने मुझे ये जरूर सिखाया पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट एंड आई हैव टू वर्क फॉर इट, क्योंकि इसने मुझे पहले से ये सिखाया है, और आज ये मेरे लिए काम आई, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी था, आई स्टिल गिवन माई एग्जामिनेशन, आई स्टिल गिवन माई अटेम्प्ट। अब उसमें पास या फेल या एग्जामिशन अलग बात है। तो दो सब्जेक्ट के अंदर में अपन बहुत अच्छे से पास हुए, एक सब्जेक्ट नहीं हो पाया, बट आई एम श्योर इन पैरेलल यूनिवर्स वो जिधर भी होंगे बहुत खुश होंगे, और एक चीज़ को वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, एक सिक्का बनाया था वो नोट बन के उनके लिए जरूर खड़ा, जरूर ये बात करना चाहिए। आ जाओ सर, जल्दी आओ लिखो। मई / नवंबर 24 ABC एनालिसिस। यस सर, मई / 24 ABC एनालिसिस। अब ये ABC एनालिसिस जो है ये दोनों अटेम्प्ट के लिए कॉमन है, और टॉपिक वाइज एनालिसिस दे रहा हूँ कि किसमें क्या आ सकता है। यस, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक टॉपिक के अंदर में।
सबसे पहले एक बात करते हैं बेसिक टॉपिक के अंदर में। बेसिक के अंदर में टैक्स कैलकुलेशन आ सकता है सर, ओल्ड भी आ सकता है और न्यू भी आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के क्या पूछे जा सकते हैं? एक्सेप्शन। असेसी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? असेसी की डेफिनेशन। इतना पार्ट चैप्टर नंबर वन से काम का है। चैप्टर नंबर टू, रेजिडेंशियल स्टेटस, सिक्स पूछा जा सकता है, सिक्स वन पूछा जा सकता है, सेक्शन नाइन पूछा जा सकता है। सेक्शन नाइन में चार चीज़ें, पहला बिजनेस कनेक्शन, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रॉयल्टी और चौथा FTS, बराबर है। तो सिक्स पूछा जा सकता है, सिक्स वन ए पूछा जा सकता है, सेक्शन नाइन पूछा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तीसरा, एग्रीकल्चर इनकम में आपको, मुझे ऐसा लगता है मेथड ऑफ एग्रीगेशन पूछा जाएगा विथ न्यू स्कीम, मतलब मेथड ऑफ एग्रीगेशन पे क्वेश्चन आएगा पर न्यू स्कीम के साथ, मतलब वो 3 लाख रुपए वाले कंसेप्ट के साथ। फोर्थ, सैलरी, प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट पूछा जा सकता है, बराबर है। ग्रैचुटी का कंसेप्ट पूछा जा सकता है और लीव सैलरी का कंसेप्ट पूछा जा सकता है। साथ साथ में परक्विजिट पूछा जा सकता है कार, RFA के पूरे चांसेस है क्योंकि अमेंडमेंट है, उसके बाद में फ्री फूड के चांसेस है, उसके बाद में यूज ऑफ मूवेबल असेट एंड सेल ऑफ मूवेबल असेट, बराबर है। अलावेंस अगर पूछ लें तो HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, यस। HP सर, पहला वैकेंसी पूछा जा सकता है, दूसरा पोर्शन SOP, पोर्शन LOP पूछा जा सकता है और तीसरा मोर देन 2 SOP कंसेप्ट पूछा जा सकता है विथ IOBC एडजस्टमेंट ऑन SOP। IOBC एडजस्टमेंट फॉर SOP, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलेगा ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC, समझ में आई बात। और उसमें SOP का एडजस्टमेंट जरूर होगा। पबजी, AD, 44 ADA, 44 AE के आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि अमेंडमेंट है। 44 AB, 44 AA, 44 GAIN, 54 EC, 45 2, 45 5, 50 BE, 51 IFOS में गिफ्ट पूछ लेंगे, डिविडेंड पूछ लेंगे, फैमिली पेंशन पूछ लेंगे। आपको नहीं लगता ये मैं वही लिस्ट एक साथ लिखा रहा हूँ जो मैंने पूरे फास्ट ट्रैक में आपको टॉपिक वाइज बताई है? वही लिखा रहा हूँ। क्लबिंग के अंदर में 64 1A माइनर्स इनकम पूछ लेंगे, 60 पूछ लेंगे, क्रॉस ट्रांसफर पूछ लेंगे। टेन शर्ट ऑफ, HP एडजस्टमेंट जरूर आएगा, HP का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ होता ये जरूर आएगा।
डिडक्शन सी डी ई ई ई बी सी सी डी सी सी एच ए टी जे जे ए ए एग्जम्पशन 10AA टी डी एस 194 एम एन क्यू पी आर सी एच आई जे ए आर याद है ना यार यस ऑर नो एडवांस टैक्स की अगर मैं बात करूं तो एडवांस टैक्स इन कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम वाला कंसेप्ट पूछा जा सकता है यस लास्ट आरओआई अपडेटेड रिटर्न आरओआई अंडर सेक्शन 139 पैन कॉन्सिक्वेंसेस याद है ना अभी जो भी पढ़ा अपन ने पैन के कॉन्सिक्वेंसेस रिवाइज रिटर्न एंड related return is that done sir तो ये थे आपके ABC analysis के part कि आपको क्या important है क्या important नहीं है इतना आपको पढ़ के जाने का है अब क्या करना चाहिए sir I am sure आपने अब तक के GST का प्रिपरेशन चालू कर दिया होगा बहुतों ने खत्म कर दिया होगा और बहुत हो सकता है कि जीएसटी का फास्ट ट्रैक देख रहे होंगे अभी भी यस ऑर नो सर सबसे पहले आप लोगों ने जीएसटी कंप्लीट करना चाहिए अब कुछ बातें आपको बहुत क्लियर कर दूं कि ये रिवीजन डीटी का कैसे करें सर जितने टोटल इनकम के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करो यानी अब कंटेंट आपने पूरा कवर कर लिया अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उठाओ और दनादन प्रॉब्लम सॉल्व करो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कई जगह पे अटकोगे कि यार याद ही नहीं आया प्रोविजन उस टाइम पे आपको सिंपल सा एक काम करना है जाना है और प्रोविजन को पढ़ना है करना नहीं है हम ह्यूमन है कंप्यूटर नहीं कि डेटा फीड कर दिया तो लर्न ही हो जाएगा और हमारा ऑलरेडी बहुत सारा डेटा बैंक है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का तो क्लिक हो जाए जरूरी नहीं है पर हाँ अगर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हुई भी रही तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएंगी कि इसके बाद क्या लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एग्जाम्पल जब आप 11th के अंदर में थे राइट आपको ये नहीं समझता था कि बेड डेप्स का करना क्या है आप सिर्फ क्या करते थे आते थे पीएनएल को डेबिट करते थे और जाते थे डेटर्स में एडजस्ट करते थे याद आ रहा है आपको लॉजिक पता था क्या नहीं कुछ चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होगी लॉजिक वॉजिक नहीं समझ में आएगा इतना प्रैक्टिस कर डालो कि पता ही रहे कि इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा तो एक ही चीज़ है जो तुमको अब यू नो गेम दे सकती है वो है प्रैक्टिस मेक श्योर आप डीटी के क्वेश्चन रोज आपको दो सॉल्व करने हैं और जीएसटी के क्वेश्चन एटलीस्ट आपको दो सॉल्व करने हैं जीएसटी के तो खैर आराम से हो जाते कोई तकलीफ ही नहीं आता ले देखे रहते ही छः लाइन के क्वेश्चन बराबर है कि नहीं प्रैक्टिकल उसका छः लाइन से ऊपर आता ही नहीं है डीटी के अंदर में टाइम लगता है मैक्सिमम टाइम यहाँ पर डिवोट करते जाओ एक बात ध्यान रखिए तुरंत इन टॉपिक्स को फटाफट क्या कर दीजिए रिवाइज कर दीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए अब ये गलती वापस से मत कर देना इस पूरे फास्ट ट्रैक के बाद कि वापस उठा करके प्रोविजन जीरो से पढ़ रहे हैं नहीं प्रोविजन आपने पढ़ ली एंड बिलीव मी याद भी रहेगी अब सिर्फ प्रॉब्लम उठाओ नया मॉड्यूल जो आया है पूरा का पूरा उठा के सॉल्व कर डालो मेक श्योर कर दो रोज तीन से चार क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और इसको उल्टे सीरीज में चालू करना मतलब टोटल इनकम से चालू करना
ताकि आपको टोटल इनकम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए। ये सुनो, आपको टोटल इनकम क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए। मैं टोटल इनकम के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तुरंत नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल इसके बाद ही मैं इसको अलग से अपडेट कर दूंगा, क्योंकि जो टोटल इनकम के मैं क्वेश्चन लूँगा राइट, उसका मैं आपको अलग से क्वेश्चन का PDF भी दे दूंगा राइट, और उसको मैं अलग से सॉल्व करके डाल दूंगा। अब मैं आपको फास्ट ट्रैक के लिए यहाँ पर नहीं बुलाने वाला हूँ, आप अपना नॉर्मल कैलकुलेट करना चालू कर दीजिए, अपना सॉल्व करना चालू कर दीजिए, मैं इसको अपडेट करना चालू कर दूंगा। ये सुनो, दूसरी बात, मैंने आपको टेस्ट सीरीज कमिट की है, मोस्टली मैं कल तक के आपको टेस्ट सीरीज प्लस मेरे तरफ से 1000 MCQ का बनाया हुआ एक PDF आपको पहुंचा रहा हूँ। ये हिडन गिफ्ट था जो मैंने अपने लिए आपके लिए रखा था, पर आपको एक लिंक दूंगा जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डालूंगा। एक फोल्डर उसके अंदर में होगा टेस्ट, एक फोल्डर उसके अंदर में होगा MCQ, तो ये दोनों भी आप देख लेना और अपने एंड पे सॉल्व कर देना। रोज प्रैक्टिस कर लेना 10 MCQ। यस, ये केस्ड बेस्ड MCQ नहीं है, लेकिन MCQ है, क्योंकि एक बात याद रखो, किसी भी बुक से आप MCQ प्रिपेयर करने वाले हो कुछ नहीं आने वाला। रादर एक अच्छा ऑप्शन बताता हूँ, आपके पास अपना WRO है, WRO में जाके ऑनलाइन असेसमेंट का जो टेस्ट है, ऑनलाइन असेसमेंट के टेस्ट पूरे ठोक दो। ऑनलाइन असेसमेंट वाले जो MCQ है, जितने जमते उतने ठोको, गलती करो कोई तकलीफ नहीं है, पर जितने जमते उतने ठोकते जाओ। या तो जो मैं आपको बुक दूंगा वो आप सीधे सीधे क्या करते जाना, 10 MCQ रोज के 10 भी कर लोगे, अगले 30 दिन में 300 पे पहुंच जाओगे। समझ में ही बात, या एटलीस्ट बड़े हेड्स के तो कर ही डालना, छोटो के नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बड़े हेड्स के तो आपने ठोके डालने के MCQ, धनादन राइट। जो क्वेश्चन बैंक में आपको दूंगा उसी में एक और फोल्डर रहेगा आंसर, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप टेस्ट दे देना और आंसर वहीं के वहीं चेक कर लेना। आपको क्लियर कट पता चल जाएगा आपने गलती कहाँ कहाँ की है, कहाँ कहाँ नहीं। ये मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, मैं आपको इसका लिंक ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। जितने भी बच्चे हैं टेलीग्राम के ऊपर जरूर आ जाइएगा। ये सुनो, इस पूरे वीडियो को जब भी आप देख रहे होंगे इसे लाइक कर दीजिए, आप नवंबर दिसंबर 24 तक के जब भी देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक चीज़ जेन्युइनली दिल से चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए एज अ पार्ट ऑफ माई मेमोरी राइट, अगर आप एक फीडबैक मुझे दे पाएँ इस नंबर पर, तो प्लीज़ इस नंबर पे आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये फास्ट ट्रैक कैसा लगा, या आप अपनी कोई फीलिंग मेरे साथ शेयर करना चाहें, दिस इज़ द नंबर, आप ज़रूर इसके ऊपर कोई फीडबैक दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा असेस करने के लिए, बिकॉज वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, वी मस्ट नो कि हम कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या जा रहे क्या नहीं। अगर पॉसिबल है वीडियो आप छोटा सा दे सकते हैं, या आप लिख करके भी दे सकते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी होगा राइट। तो इसके ऊपर आप लोग ज़रूर अपने फीडबैक जो भी है वो ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो तीन चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पहला टोटल इनकम के क्वेश्चन मैं अपडेट करूंगा, बट वो मेरे कन्वीनियंस पे करूंगा, मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, आप अपना चालू कर दो। दूसरा टेस्ट और MCQ ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, का लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, आप वहाँ दे दीजिए। साथ साथ में डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। मैं इन दोनों के ऊपर क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस से बाहर निकल रहा हूँ, मैं कुछ और चीज़ें प्लान करने के मूड में हूँ, मैं अभी वो नहीं बोलता क्या है क्या नहीं, बट आप मान करके चलिए कि शायद मैं हिंट देता हूँ, एक शायद शॉर्टर विजन के साथ आ जाऊँ, दैट इज़ चार्टर विजन। तो हो सकता है मैं चार्टर विजन के साथ आ जाऊँ, बट मैं मेरे टाइम को समझते हुए, क्योंकि मेरी कुछ और कमिटमेंट्स भी है एज ऑफ नाउ, और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अब एक, तो मेरे को उस चीज़ों को समझते हुए मैं इस चीज़ को डालने के पूरे मूड में हूँ। तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़े रहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए और अपडेट आपको अवेलेबल हो जाए। इज दैट डन? थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चो, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू, अच्छी शक्लें दिखाओ। थैंक यू सो मच मालिक। यस, मजा आया कि नहीं आया, वॉज इट वर्थ और नॉट? देन थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर पाए भाई, फुल रिस्पेक्ट, आपने इतना करेज दिखाया कि ऑनलाइन इतने देर बैठ सके आप लोग। यस, डू टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। यस, किसी को बातों से या हरकतों से कुछ बुरा लगा हो, प्लीज़ अपने आप को माफ़ कर दें। हाँ, मतलब ये आपकी गलती है ना, आपने मेरी बातों को इतना दिल से लगाया। यस, तो प्लीज़ अपनी बातों को बुरा मान लें, और जितनी भी बातें या मस्ती मजाक हम लोगों ने किया, ये किसी को बुरा पहुंचाने के लिए नहीं है। यस,
तो खैर बस आपको एंटरटेन रखने के लिए है, डन ना? चलो चलो चलो, टेक केयर बाय बोलो बच्चों।